बोले कैसे कैसे पलट गया, बोले कैसे, बोले कृष्ण की चरण की ठोकर से। बोले क्या पागल हो गए हो प्रभु जी, आप पीछे चेयर में बैठ जाते, चेयर के ऊपर चेयर, इसलिए कृष्ण की चरण नहीं,
इसलिए कृष्ण ने देखा मेरे प्रेम को पूर्ण रूप में आस्वाद रहा है, इसलिए कृष्ण स्वयं राधा की भाव और अंग का देखकर उसे चैतन्य महाप्रभु के स्वयं कृष्ण हो गए भाव जिस राधानी कृष्ण प्रेम की ओर उसी तरह महाप्रभु भी कृष्ण प्रेम की ओर कृष्ण आ कृष्ण कहाँ लेटा थी और घर का जितने सामान ठाकुर 10 दिन से एक कपड़ा खरीदने बैठे, वो एक कपड़ा जिसने तुमको दिया सब कुछ वो एक कपड़ा खरीदने बैठेंगे कृष्ण गीता में कहती केवल थोड़ा साड़ी फाड़ करके भगवान को अंगूठ में बैंडेज कर दी, भगवान सोच रहे कब दिन आए कि द्रौपदी का दिन ही कब होगा, अपना साड़ी फाड़ दिया मेरे और भरी सभा में ठाकुर जी इसलिए कहते अपना बच्चे के लिए बर्थडे बना के उसके लिए भी कपड़े लाओ, उनके लिए कपड़ा भी ला सकते पहले उनके लिए ला बाद में बच्चे के लिए दूसरे के लिए पहले जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अभी कृष्णा जब उन्होंने बच्चा करवट लेता है ना, आप देखना बच्चा क्या करता है, बड़ा चंचल होता है, कोई चीज को देखा ना पकड़ के जाएगी, कोई चीज को पेट में जैसे सांप चलता है, पेट में सहारा में रिसर्ट रिजल्ट चलता है। अब कृष्ण तो बड़े नटखट थे, पहले हर घर में चौपट होता था, अभी कृष्ण सोच रही है चौपट में पार कर पड़ से, अभी पेट की सहारा से घिसरते घिसरते गए और घर में चौपट होता था, जो गांव वालों को पता होगा घर में बड़े बड़े चौपट, कोई मेढक नहीं आए, कोई सांप नहीं आ जाए, कोई बिच्छू नहीं आ जाए, इसलिए हर घर घर में चौपट होता था। अभी कृष्ण चौपट ऊपर में बड़ी कष्ट से आए,
जब आए अभी तो केवल पेट के सहारा से चल रहे हैं, अभी घुटनों पर अभी चलना नहीं आता। जब चौबटों के ऊपर आ गए ना, आधा शरीर तो चौबटे से बाहर और आधा शरीर चौबटे के अंदर में, कृष्ण तो पूरा ऐसे लटक गए, ऐसे लटक गए कृष्ण बाहर भी नहीं जा सकते और अंदर भी नहीं आ पा रहे। फिर कृष्ण ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। जब रोना शुरू कर दिया इतनी बीच में श्री नारद जी और श्री लोमन ऋषि, उन्होंने सुना जब भगवान जन्म हुए गोकुल में, तो चलो हम प्रभु को दर्शन करके आ गए, प्रभु क्या लीला कर रहे हैं। और नारद जी आकर के देखा ना, लटक भगवान प्रभु लटक रहे, प्रभु लटक रहे हैं। और ये लीला को देख करके ना नारद जी तो बड़े जोर से ठाल लगा कर हा 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 करते करते बड़े जोर से हंसे। थोड़ी देर बाद में फिर रोने लग गए। उनको साथ में जो ऋषि थे ना, बोले नारद जी पहले तो अब हंसे हो फिर बाद में रोए क्यों? बोले इसलिए मैंने हंसा, ये भक्तों का सौभाग्य को देख कर, क्योंकि भगवान अजन्मा होते हुए भी कैसे जन्म लिए, जिनकी नाम लेने से जीव ये भवसागर से पार हो जाते हैं, क्या प्रभु ये चौबट को पार नहीं कर सकते? लेकिन प्रभु ऐसे लटक क्यों रहे? केवल अपना भक्तों को आनंद देने, भक्त लोग इसी लीला में अपना मन को संपूर्ण उसमें डुबो देते हैं और दिन रात उसमें डूबे रहते हैं, इसलिए भक्तों का सौभाग्य को देख देख रहा हंस रहा था। बोले रो रहे थे क्यों? बोले इसलिए मैं रो रहा था, ये ज्ञानियों का दुर्भाग्य को देख, क्योंकि जो ज्ञानी होती है ब्रह्मवादी होते ही वो कहते हैं भगवान निराकार, उनका कोई आकार नहीं, उनका कोई रूप नहीं, उनके कोई लीला नहीं, वो तो ज्योति स्वरूप है, इसलिए उनको लीला को ध्यान नहीं करते, भगवान का रूप नहीं, वही ब्रह्म ही। हाँ अभी माया पकड़ लिया, अभी राम कृष्ण बन करके आए, जब ये खत्म हो जाएगी ब्रह्म में लीन हो जाएगी, इसलिए प्रभु की लीला को ये माया की समझते हैं, इसलिए प्रभु की लीला को ध्यान नहीं करते, इसलिए इनके दुर्भाग्य को देख देख करके मैं रो रहा था। एक दिन नारद जी और भी दिन आए, कितने लोग चस्का लग गई, और एक दिन चलते हैं प्रभु को दर्शन करके आते हैं। मैया जसोदा कृष्ण को थोड़ी देर पहले बड़ी सुंदर सिंगार दी, बोले लाला जा तू खेल, तुम्हें घर का काम करना है। कृष्ण गया और खेल करके जितनी सब मिट्टी पिट्टी और धूल लगा कर ना शरीर में आ गया, और मैया की गोद में चढ़ना चाहते मेरे को दूध पिला दे। मैया कहते तू गंदा बच्चा, मैं गोद में नहीं लेता हूँ, अभी अभी करके इतना स्नान करके सिंगार करवाया और अभी अभी सारे धूल मिट्टी शरीर में अपनी गंदे भाग यहाँ से, तेरे को हम गोद में नहीं लेते हैं, भाग यहाँ से, उसको भगा रहे हैं। नारद जी सोच रहे हैं, हे भगवान देखो जिस भगवान को पाने के लिए, हाँ ब्रह्मा जी हाँ बोले यद्यपि समाधि सु विधिरपि पश्यति न तब न भाग्र मरीचि, इसका मतलब है जिनकी चरण को पाने के लिए ब्रह्मा जैसे व्यक्ति कितने कठोर तपस्या करते हैं, लेकिन जिनकी चरण की नख की जो छटा है उसको भी दर्शन नहीं कर पाते हैं, जिनको पाने के लिए शंकर स्वयं गोपी बन करके आते हैं, लेकिन आज देखो ऐसे जो भगवान क्या करना चाहते हैं, मैया की गोद में चढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन मैया तू गंधा बच्चे, तेरे को हम गोद में नहीं, भाग जा यहाँ से तू गंधा बच्चे, यहाँ से भागो। देखो ये मैया ने कितने सौभाग्य किया है, इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पप्पू जस स्तनम हरी, कहते हैं नंद जसोदा ने ऐसे क्या पुण्य किए हैं, ऐसे क्या पुण्य नंद जसोदा ने किए हैं, भगवान जिनके स्तन पान करते हैं जिनकी गोद में चढ़ते हैं। एक दिन नंद बाबा बोले कन्हैया मेरे खड़ाव खड़ा ले जाओ, कन्हैया ठुमक 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 कर गए, अरे खड़ाव हाथों में नहीं, खड़ाव अपना संकल्प नहीं, और नाचते नाचते कृष्ण आए। नंद बाबा इतने खुश हो गए, बोले देखो मैंने लाला को बोला खड़ाव ले आओ, हाथों में नहीं लाए, कैसे लाए? अपना सर पर रख कर के, ये बेटा जब बड़ा होगा ना, क्योंकि पिता माता जब हम बुढ़ापा हो जाए हमारे सेवा करें, इसे हमारे खड़ाव को सर पर ला रहा है, ना करके पिता माता की बड़ी सेवा करें। श्री कृष्ण बड़े सुंदर सुंदर कृष्ण जब सर्वप्रथम बोला उनकी मां से,
मुंह से पहले सबसे पहले प्रभु निकाले भैया यशोदा कर से रहती बहुत ने भगवान राम से दो बार मांगे दशरथ से, एक बार में बेटा राम वनवास 14 साल में जाएगा और मेरा भरत राज सिंहासन में बैठेगा। इतने में जब भरत जी को ये बात पता चला है ना, उन्होंने बोला अगर प्रभु राम अगर नाराज नहीं होते ना तेरे सर में काट देता, लेकिन प्रभु के लिए तेरे सर नहीं काटूंगा, प्रभु नाराज नहीं हो जाए, जिंदगी में कभी भी तेरे को अभी मैं माँ कभी नहीं हूँ। भरत ने जिंदगी भर के लिए माँ शब्द कहीं बोला नहीं, कहती महारानी कही कही, कभी उन्होंने माँ शब्द नहीं बोली। अभी कही कही तो तरस रही है, कब मेरे लाला एक बार मेरे को माँ बोलते, और एक बार माँ शब्द सुन गए ना, एक दिन केवल भारत को बोल दे वो मेरे रास्ता में भूख लगा कुछ खाना नहीं कोई जरूरत नहीं पत्नी ने जो जबरदस्त दिया। हाँ बताओ पति खुश होगा ना, बताओ खुश होगा ना कि नाराज हो जाएगा। कहती ये उत्तम सेवक है, नहीं चाहने पर भी उनकी मन की भावना को समझते हुए जो कर डाले, कहती ये बोले प्रभु अभी तक आप कभी मेरे को किसी चीज का आदेश नहीं दी, आप बोलने से पहले के सारे काम को
तरस थी कब एक बार मेरे को ये मां शब्द बोल दे। इसलिए कृष्ण का सबसे पहले उनका जो तोतली तोतली बोली से कृष्ण है मां बोली, उसके बाद में फिर उन्होंने बाबा बोली, फिर उन्होंने बलदेव बोली, अपना भैया बोली, पहले मां उसके बाद में बाबा उसके बाद में हमने भैया शब्द बोले। इसलिए सूरदास जी ना ये इसको बड़ी सुंदर भजन लिखते हैं कृष्ण कैसे तोतली तोतली बोली से मां बाबा भैया कैसे बोलते हैं, और भैया दसदास सुन सुनकर कितने प्रसन्न कितने खुश होती है। कृष्ण जब और थोड़ी सी बड़ी हुई एक दिन भैया दसदास कृष्ण को तुम दोनों खेलो मैं घर का काम करता हूँ। कृष्ण ने बलदेव प्रभु देखा देखो जब जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आ पड़ती है ना भैया हमें गोमूत्र गोबर से स्नान कराते हैं और ये ब्रज रज लेकर ना हम तिलक लगाएंगे। बोले क्यों ये ब्रज रज में है क्या चीज, भैया मंदिर लेते चलो आज हम स्वयं ये गोबर और गोमूत्र से दिन लगाएंगे। और वहां पर गए जितने गोमूत्र गोबर था ना कीचड़ पूरा शरीर को पोत दिया और दोनों भैया इस भैया ने देखा ये दुष्ट दोनों गए था अभी तो यहीं पर बैठे हुए थे। बोले कन्हा बलवा तुम दोनों कहाँ हो। बोले भैया हम यहाँ। बोले वहां क्या कर रहे हो। मैया देखा जितने गोबर और गोमूत्र कीचड़ था ना पूरा सारा शरीर में सना हुआ। भैया को तो बड़ा क्रोध आ गई। बोले अभी अभी स्नान करा के तुमको इतने सुंदर श्रृंगार के अभी भी बिगाड़ डाले दोनों को कहां बगड़े सीधे। बोले चिमरे लगता है तुम दोनों पूर्व जन्म में क्या सुअर थे। सुअर क्या करते हैं क्या तुम सुकर ऐसी क्योंकि सत्य जी में भगवान बराह अवतार लेके गया है। जो बराह अवतार ये स्वर का अवतार है सही हो जाती है लीवर का बहुत ताकत प्रदान करता है लीवर को। इसलिए रिसर्च करके कुछ लोग अभी तरह तरह का जवाब से मेल हर आदमी गोशाला का सेवा की ना वो गोमूत्र गोबर की उसको खुशबू से उसका स्वास्थ्य का भी मैं अपने आप सही हो गया। जो दवा से सही नहीं हुआ वो गैया की सेवा से हो गया। जो गोमूत्र गोबर है उसमें जो आती सुगंध है उसमें बहुत सारी बीमारी है। इसलिए पहले हर घर में पहले घुसते ही क्या मिलेगा गैया दूध है। गैया पालन करते थे गैया की सेवा करते थे बीमारी अपने आप चलता कुत्ते से सावधान। कुत्ते से सावधान मतलब घर में कौन रह रहे हैं। इसलिए हमारी ये संस्कृति है। इसलिए आज भगवान स्वयं ये चीज को ठाकुर जी स्वयं सिखा देते हैं गो सेवा। इसलिए कृष्ण जब बड़े हुए ना उन्होंने क्या सेवा करने के लिए ठाकुर जी रोए। बोले हम गैया चराना चाहते नंद बाबा मना किए लेकिन बोले नहीं हम तो गैया चराएंगे नहीं।
कृष्णा ने रो रो कर उन्होंने गैया की सेवा को प्रार्थना की, इसलिए कृष्ण का एक अभी कृष्ण बलराम और जब थोड़े बड़े हुए, अभी एक समस्या, क्या समस्या, नंदबाबा सोच रहे हैं लाला बेरा सुदेव महाराज क्या सोचते हैं लाला बेरा, ये दोनों ही सोच रहे हैं लाला बेरा है, लेकिन कृष्ण तो सबका लाला, नंद का लाला, वसुदेव का लाला, इसलिए वसुदेव महाराज ये सोच रहे हैं कि अगर नंद बाबा लाला का भी नाम कर्म कर देते हैं तो इसका नाम कितनी बार होता है, एक बार जो नाम हो जाए ना फिर परिवार वाले उसी नाम से बच्चों को पुकारते रहते हैं, लेकिन वसुदेव महाराज सोच रहे लाला तो मेरे, ये नंद सोच रहे लाला मेरे है, अगर श्री नंद बाबा अगर लाला का कोई नामकरण कर दिया तो फिर गलती नहीं, फिर उसी नाम से पुकारेंगे, लेकिन लाला और पहले ये नियम था, जैसे अभी है ना जिस बच्चे को जो मन नहीं इच्छा होता ना टिल्लू टुंको पिंकी जैसे जो जिसके मुंह में आता है बच्चे को ऐसे नामकरण कर देते, खराब हो जाएगी, फिर उसी तरह भगवान ने जब ये दुनिया को बनाया ना उन्होंने कुछ मैनुअल भी बनाया, बोले देखो दुनिया को मैंने बनाया, अगर ये मैनुअल को पढ़ करके अगर संसार करोगे ना खूब शांति में रहोगे, बड़े सुख में रहोगे, जब तक ये मैनुअल को लेकर के चलो, बोले क्या है, बोले रामायण है, गीता है, भागवत है, कहिए पुराण है, इसको पढ़ करके अगर संसार करोगे रात शांति सुख रहोगे, लेकिन जब इसका मर्यादा को छोड़ दोगे, गीता भागवत रामायण सीखा को छोड़ दोगे, बस फिर तुम दुखी दुखी भोग करके देखो इसमें क्या साइंस है। अब तो हिंदू लोग है, आप देखना जब शादी होता है ना, जब शादी होती है पहले उनका जन्म पत्र मिला है, उनको जन्म पत्र पहले मिला है, जन्म पत्र मिला करके फिर जाकर के देखते हैं इनका जन्म पत्र मिल रहे कि नहीं, तो जन्म पत्र कब मिलेगी, ये जन्म पत्र क्यों मिलाते हैं, कहते वो लड़का लड़की जब जन्म हुए जिस नक्षत्र और जिस समय पर हुए है उसी के अनुरूप पहले नाम रखी जाती है, इसलिए तभी ये जन्म पत्र मिलेगी, नहीं तो जन्म पत्र नहीं मिलेगी, अगर मनमाने नाम रखने पर नहीं मिलेगी, फिर इसलिए होता था पहले जन्म पत्र ला करके ये सब शादी करते थे और पति पत्नी जिंदगी भर बड़े खुश होते थे, लेकिन अभी देखो ये सब चीज को छोड़ लव मैरिज करते हैं, हैं शादी से पहले लड़का कहता है अगर उसी लड़की से मेरे को शादी नहीं कर लेना मैं जहर खा लूंगा, लड़की कहती है अगर उसी लड़का से शादी नहीं कर तो मैं जहर खा लूं, बस कुछ दिन बाद में आई लव यू आई लीव यू फिर आई फील यू, इसलिए फिर ये कुछ दिन बाद में फिर शादी को लड़की कहती है अगर मेरे को यहाँ से रहोगे ना फिर मैं मर जाऊंगी यहाँ पर, वही लड़की कहती थी अगर वहां शादी नहीं करवा तो मर जाऊंगी, कुछ दिन बाद में फिर कहती है अगर मेरे को नहीं लेकर मर जाऊंगी, ये सब चीज क्यों हो रही है, बोले कारण यही है हम लोगों ने ये शास्त्र को हम नहीं मानते, एक माता जी पास में आई, बोले बाबा आप सही बता रहे, बोले क्या सही, बोले मेरे तो बेटी है, मैं भी कोई पंडित पंडित के पास में गई नहीं, हम दोनों बेटी के ऐसे मैंने नाम रख दिया,
और हमने शादी जब करवाने के लिए गए वो पत्री मिले नहीं, हम पत्री नहीं मिले, कोई बात नहीं शादी करा। फिर घर में गई, इतने लड़ाई इतने झगड़ा हुई, मेरे दोनों बेटे उस घर में बैठे, ये दोनों बेटियां भी हमारे घर में बैठी हुई है। देखो इसलिए पहले जब नाम करण कराया करते थे ऐसे नहीं, जैसे टुल्लू गुल्लू टिंकू टिंकू नहीं है, सबके सब जन्म नक्षत्र भी पहले अक्षर निकाल कर दशरथ का जो पिताजी उनका नाम था आज, वो आज से वो आ कर लिया है और आ कर ये माँ में जोड़ा है, इसलिए उनका नाम हो गया राम। देखो कृष्ण का नाम कैसे, कृष्ण बोले कृष्ण के पिताजी का नाम बोले नंद, पिताजी का नाम नंद, कृष्ण नाम में जो न है वो नंद बाबा का न लिया, बोले नंद बाबा का पिताजी का नाम क्या, बोले परिजन बाबा है, परिजन बाबा, इसलिए जो जो कृष्ण नाम हुआ क्री, क्री में जो री है वहां लिया परिजन बाबा से रा कर लिया और री वहीं से लिया, इसलिए पहले जब नाम करण करते थे ऐसे करके, क्यों बच्चा कौन होता है, हम कहते ना बच्चा हमारी वंश को बढ़ाएगा, बच्चा हमारी पिंड भी वही देगा, वंश को बढ़ाने वाला बच्चा होता है, इसलिए पहले जब नामकरण ऐसे तैसे नहीं नाम रखते थे जो आ गया, लेकिन अभी क्या करते हैं नारी से पहले जो कृष्णा राम नाम सीता गीता ऐसे पहला संस्कार थे, हम लोग टुल्लू गुल्लू टिंकू प्रिंस ये सब विदेश में कुत्तों का नाम, लड़कों को देखना कृष्ण गोविंद राम पर सब भगवान के नाम रखते हैं, अरे जब ने तुलसीदास, देखो इनका नाम गुरुदेव है तुलसीदास, तुलसीदास तुलसीदास कौन थे, रामायण जी ने लिखा ना, इनका नाम तुलसीदास, बच्चा जब गोद में खेलता है कूदता है कितने प्यारे लिखता है, साक्षात भगवान को गोद में लेना कोई साधारण बात है, इसलिए गर्गाचार्य बड़े प्रसन्न होकर के आई, जब नंद बाबा का घर में आए ना, नंद बाबा ने जब देखा गर्गाचार्य आए इतने प्रसन्न हो गए, बोले महत विचरणाम नृणाम गृहणाम दीन चित्त साहब, बोले साधु घर में क्यों आते हैं, कुछ लेने के लिए, बोले नहीं वो हमें कुछ देने के लिए आते हैं, बोले क्या देने के लिए, बोले हमने जो भगवान से कसम खा करके आए हैं मातृ गर्भ में उसका भजन करने के लिए, जब 7 महीना होता है बच्चे को उसका सारे पूर्व जन्म की याद आता है उसको, कौन सा हमने पाप किया, कैसे हमने पैसा कमाया और गर्भ रूपी नरक में कैसे मैंने आ गया, वो सारे याद आता है, फिर सोचता है ये दुनिया से मतलब का संसार, सुख का सामने सारा दुनिया थे, सुख में दुख में कोई नहीं, सारे कर्म का फल मेरे को अकेला भोगना पड़ रहा है, वो कहाँ मेरे बच्चे, कहाँ मेरी बीबी, कहाँ मेरे पिता माता, सारे कर्म का फल तो मैं भोग कर रहा हूँ, उसका पता चलता है दुनिया झूठा मतलब का संसार, भगवान से कसम खा कर के आए एक बार केवल हमें मानव शरीर दो, कभी और ये झूठा संसार में कभी नहीं बसूंगा, तेरे नाम लिखते रहूंगा, तेरे उठते बैठते सोते नाम लूंगा, लेकिन वो चीज संसार में आकर सब भूल जाता है, पिता माता की प्यार प्रेम पाकर सब भूल जाता है, फिर उल्टा काम में लग पड़ता है, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं आए थे हरि भजन को और वतन लगे कपास, आया था संसार के लिए नहीं भजने के लिए आया था, लेकिन तुमने उल्टा काम में लग पड़े हो, जो काम था उसको तो पीछे रख दिया, साधु क्यों आते हैं, वो चीज को हमें याद दिलाने के लिए,
जीव जागो जीव जागो बुरा चलो कब तक सोते रहोगे। भगवान से वायदा करके आया था ना, भजन करोगे, कितने माला कर रहे हो, कितने भक्ति कर रहे हो, कितना टीवी देख रहे हो और कितने गंदी चीज में तुम फेसबुक में उल्टा सीधा चीज देख रहे हो। ये चीज को हमें याद दिलाने के लिए संत आते हैं। इसलिए जब नंद बाबा ने देखा घर में साधु आए, इतने प्रसन्न हो गए, चरणा धोए, उनको बैठाया, बोले आज तो हमारा घर पवित्र हो गया, घर में सत्संग हरि कीर्तन होएगा, आज घर नहीं ये भगवान का धाम बन जाएगा। इतने में गर्गाचार्य जो काम के लिए आए थे ना, नंद बाबा तो वही बात बताते, बोले बाबा जब आए हो कृपा करके, अभी हमारे लाला को कोई नाम करने नहीं हुआ, पर आप नाम करना करा दो। राजी हो गए, ठीक है। अभी उन्होंने कृष्ण बलराम को लेकर के आए, पहले उन्होंने बड़े भैया का नाम रखे, बोले अयम ही रोहिणी पुत्र रमया बल, इसका नाम होगा बलराम। बल क्यों? बल अयम ही रोहिणी पुत्र रामायण सुविध गणी, इस सब जितने परिवार बना ये सबको बड़ा आनंद देगा, इसलिए इनका नाम होगा राम होगा। लेकिन बलाधिक्यात बलम विदु, यदि ये बल में बहुत उसको शरीर में बल होगा, इसलिए इनका नाम होगा बल राम, इसका नाम होगा बल श्री बलराम प्रभु की। बल इसका एक नाम होगा संकर्षण, क्योंकि सबसे पहले ये आए देव की गर्भ में, फिर इनको जोग माया आकर्षण करके रोहिणी गर्भ में स्थापन की, इसलिए इनका दूसरा नाम भी होगा संकर्षण भी नाम होगा। इनका दो नाम रख दिए, अभी कन्हैया का नाम गर्गाचार्य थे, साधारण थे, नित्यपाल द्रष्टारी सी, तब उन्होंने ध्यान लगाया, जब उन्होंने ध्यान लगाया ना पूरा उनका ध्यान ही लग गया, उनका आग ही नहीं खोल रही थी, पूरा ध्यान में बैठी गई। बोले क्यों ध्यान में बैठी गए? त्रिकाल दृष्टा ये कृष्ण कौन है? बोले ये ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम, ये कोई साधारण बालक नहीं, ये अनादि के आदि है, सबका कारण का जो मूल कारण है ये कृष्ण ही, ये ईश्वर है, ये भगवान है। इसलिए गर्गाचार्य जी जब आंख बंद किया ना सारा विश्व ब्रह्मांड को देखने लग गए। बोले दुनिया में जितने नाम हैं कृष्णा गोविंद दामोदर, अब सोच रहे हैं अगर किसका एक दो केवल नाम हो ना फिर तो किसी तरह से नाम रख ले। ये दुनिया में जितने सब नाम है ना सब इसी का ही नाम है, इसलिए कौन सा नाम हम रखे वो तो चिंता में लग गए। इसलिए उनकी आग नहीं खुल रही थी। नंद बाबा तो हाथ ही लाए, बोले अरे बोलो ना गर्गाचार्य जी मेरे लाला का नाम क्या, आप तो से सो गए। गर्गाचार्य जी आग खोले, बोले हे नंद लाला नंद बाबा तुम्हारे जो बच्चा है ना, बोले आसन वर्णास्त्र जस्य गृणोत अनुजुगम तनु शुक्ल रक्तस्तथा पीत इदानि कृष्ण दात्त। बोले तुम्हारी ये जो बेटा है कल एक युग नहीं ये युग युग में ये आ रहा है, ये सत्य युग में ये शुक्ल वर्ण धारण करके आया था, तृतीया युग में ये रक्त वर्ण धारण करके आया था, और जब कलयुग होगा तुम्हारा जो बेटा है ना श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में नवद्वीप में आएंगे और सर्वत्र ये हरि कीर्तन का प्रचार करेंगे। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि बोले इदानी बोले अभी बोले ये कृष्ण काम करता, इसलिए अभी ये कृष्ण बन करके आया, इसलिए इनका नाम कृष्ण करने आया। बोले कृष्ण नाम क्यों बोला? भगवान तो बहुत सारे नाम है लेकिन उन्होंने कृष्ण नाम क्यों रखा? बोले इसकी बहुत सारे अर्थ है। बोले क्री मतलब होता है आकर्षण करना, अर्चना मतलब होता है आनंद देना, क्योंकि हमारा जो मन है ना बड़ा चंचल है। अब आग बंद कर देना पता नहीं कहाँ कहाँ कहाँ, जब भजन करने के लिए सोचो ठाकुर के सामने बैठ करके थोड़ी उनको याद करते ना आंख बंद करते ही तो वही याद नहीं आएगा, सब याद आएगा, बेटा बेटी नाटी दुकान मकान सब याद आएगा लेकिन केवल वही याद नहीं आएगा। लेकिन इनका नाम कृष्ण क्यों रखे? बल अगर कृष्ण नाम कोई लेगा ये जो चंचल मन है ना जिसको कृष्ण कहते हैं पायु रेव सुदुष्करम, पाई को रोकना सहज है लेकिन ये मन को रोकना सहज नहीं,
लेकिन आप ये कृष्ण नाम पर आप स्वयं करके देखिए, आप जो कृष्ण नाम लोगे ना, ये मन इधर उधर नहीं भटकेगा, क्योंकि उनका नाम ही कृष्ण है। वो सबको आकर्षण करते हैं, हंसना मतलब जो आनंद देते हैं, जो अपना तरफ में खींचते हैं सबको आनंद देते हैं। आप देखो आपका मन के इधर उधर हो रहा, आप बैठ जाओ और कृष्ण नाम ले लेना, देखना मन अपने आप तुम्हारी शांत हो जाएगी है। और कृष्ण, कृष्ण मतलब होता है काला, कोलता जैसे काला नहीं, कहते उनको बताया उनका जो बताया घन श्याम, जैसे बरसाल मेघ है, ये मेघ जब एकत्र हो जाए ना, देखना काला बन जाती है, इसलिए मेघ को कहते हैं ये कृपा, ये पानी, पानी मतलब होता है कृपा। जब वो बादल जब घनीभूत अवस्था हो जाता है ना, वो हो जाता है काला, मतलब कृष्ण कौन है, बोले हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन हो जगतपते, भगवान करुणा के सागर है, प्रभु दीन का बंधु है, इसलिए काले है, वो काले नहीं बोले कृपा की घनीभूत बिक रहे, मतलब स्वयं जो कृपा है ना, वो कृपा स्वरूप से भगवान कृष्ण, इसलिए वो काले है। तीसरा कारण बताए, आप बहुत सारे रंग मिला, देखना सब अलग अलग रंग होगा, लेकिन उसमें थोड़ा काला रंग डाल दो, देखना वो काला रंग सारे रंग को अपना लेता है, देखना पूरा काले वाला हो जाता है। इसलिए कहते काले कमरिया कोपर में चढ़ना धुंधला, मतलब कृष्ण भक्ति रंग में एक बार भी रंग जाए ना, फिर दूसरा रंग वहां पर चढ़ता नहीं, मीरा ऊपर वो रंग चढ़ते सारे रंग उसको फीकी हो गई, जिन जिन गोपियों का ऊपर भी वो रंग चढ़ते वो रंग सारा दुनिया फीकी हो गई है। इसलिए काले मतलब है क्या है, काला मतलब होता है सारे रंग को जो अपना ले है, और सब रंगों को अपना करके अपना रंग की चमत्कार करने जाते हैं, इसलिए कृष्ण काले ही। और कृष्ण मतलब होते हैं सुंदर, हाँ कृष्ण मतलब होता है सुंदर, कृष्ण इतने सुंदर है, कभी कभी गोपियां कहती है कल नंद लाला तू यदि हो तो लाली गला कट जाती कर रही, बोले भगवान अच्छा किया तेरे को लाली नहीं बना करके लाला बना दिया, कि तू इतने सुंदर है ना, अगर तू लाली होती है ना, पता नहीं तेरे को पाने के लिए दुनिया मर जाती, इसलिए अच्छा हुआ तेरे को लाली नहीं बनाया, तेरे को लाला बना दिया, इतने सुंदर। इसलिए उनको बताए कोटि कंदर्प कमनीय विशेष शोभम, कोटि कंदर्प कोटि काम देख भी वो जीर करके उनका रूप है, इसलिए उनका नाम है मदन मोहन, मदन को भी जो मोहित करते हैं, इसलिए उनका नाम रख दिया कृष्ण नाम, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले श्री नंद के लाल की, बोले नंद बाबा तेरे जो बेटा है ना, बोले बहुरी संति नामानी, बोले तेरे जो बेटा की इतने नाम है बहुरी संति नामानी, अरे ये तो बता मेरे बेटे का शादी कितना होगी, अब कैसे जगह पर शादी होगी, शादी की तो बात बता, तो बिना मतलब की बात बता तो बताते जा रहे हो। देखो एक श्लोक में किसी दो अर्थ होता है, मैया जसोदा तो भोली भाली है, भोली भाली मैया जसोदा, देखो एक श्लोक है बोले बहुनी संति नाम हनी, वो कह रहे हैं तेरे बेटा का बहुत सारे नाम रूप होगा, लेकिन मैया देखो क्या अर्थ लगा, बोले बहुनी संत, वो कह रहे बहुनी मैया लगा रहे हैं मन में, बोले बहुनी संति नामानी, मतलब मेरे लाला ना बहुत सारी भूल होगी, बोले खुश होगी, वाह ज्योतिष सभी काम की बात करता है, क्यों जितने बहू होगी उतना तो सास की सेवा करेगी ना, अरे पहले पहले राजा बहुत शादी करते थे, और कृष्ण का एक राधा जी है ही है ब्रज में, फिर ललिता विशाखा चतुर्लता दुर्गा विद्या चित्रा सुचित्रा रंगदेवी सुदेवी, जब भगवान रास करते हैं ना कहते सात करोड़ गोपियों के साथ में रास किया, फिर कृष्ण जब द्वारका गए रुक्मिणी सत्यवर्मा कालिंदी मित्रविंदा है, वहां पर भी बहुत सारी पत्नियां हैं है? इसलिए मैया जसोदा तो बड़ी प्रसन्न हो गई, बोले भैया ज्योतिष ने बढ़िया नाम रखा है, ज्योतिष ने बढ़िया बात बताए, अरे लाला की बहुत सारी बहू, बोले रूपाणी, बोले उनका जो रूप है ना कोई गोरी होगी कोई काली होगी, बोले बहुत से मतलब भले कोई काली हो, क्योंकि जो कालिंदी थी वो देखने में काली थी, और राधा रानी बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे राधे, राधिका गोरी से
की छुरी से मैया कर दे मेरुआ दादी का धूरी से किरण की छुरी से मैया कर दे मेरुआ दादी का धूरी से किरण की छुरी से मैया कर दे मेरुआ दादी का धूरी से
प्रभु जी आए हैं, श्री रोहिणी सुंदर प्रभु जी। अभी बोलो लास्ट में बोलो और कुछ भक्त लोग आ रहे हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। एक दिन कृष्ण सखाओं के साथ में खेलते खेलते पहुंच गए ब्रह्मांड घाट में, और कृष्ण सोच रहे हैं ब्रज में जो कोई आए ना वो एक चीज की प्रार्थना करते हैं, बोले राधे तेरी चरण की ब्रज धूल यो मिल जाए। सबके सब एक एक चीज की प्रार्थना करते हैं, और श्री रसधान कहते हैं बोले रमण रेती लेट नहीं कियो ना जमुना पार। बोले ब्रज में जाकर दो चीज करनी चाहिए, रमण रेत में लौट को उठानी चाहिए और श्री जमुना जल को पान आचमन करनी चाहिए, तभी ये ब्रज की महत्व को कोई समझ सकते हैं। इसलिए कृष्ण सोचा दुनिया एक ही चीज, उद्धव जब ब्रज में आए जब उन्होंने गोपियों की प्रेम को देखा, राधा रानी की प्रेम की चमत्कारिता को देखा, उन्होंने भी यही प्रार्थना किया आशा महो चरण रे, क्या ये ब्रज गोपियों का भी चरण थोड़ी बन सकता। ब्रह्मा जी जब आए वही प्रार्थना किया, बोले ब्रज का बाहर जो छोटे जाति के लोग हैं उनके घरों के सामने पत्थर लग गया और मेरे को पत्थर मान कर चरण कर रगड़े, अगर उनकी चरण धूल मिलेगा धन्य हो जाऊंगा। इसलिए जब श्री शंकर जी आए वो भी गोपी बन करके आए, इसलिए जो जो आए ब्रज में वो सबके सब कहते हैं ब्रज की धूल मिल जाए। एक दिन कृष्ण ये ब्रज रज में क्या आनंद है, कृष्ण सखाओं को साथ में खेलते खेलते उन्होंने पास मिट्टी मुंह में डाल दी। सखाओं ने मना किया कन्हैया पेट खराब हो जाएगा मिट्टी मत खाओ, लेकिन कृष्ण सुन रहे खाते खाते ही जा रहे। फिर सखाओं ने जाकर मैया से चुगली कर दी, बोले मैया आज कन्हैया मिट्टी खा रहा है किसकी बात नहीं सुन रहा है। मैया को तो बड़ा क्रोध आ गया, बोले अभी तक मक्खन चोर चोर कर खाता था अभी मिट्टी खाना शुरू कर दिया। सीधा मैया लठिया लेकर आई, कहाँ पकड़, बोले कान सीधा, बोले किसके कान, दुनिया का कान पकड़ के जो उठा था बैठा था उसको कान मैया पकड़ लिए, बोले क्यों रे अपवित्र तुमने मिट्टी खाई, शास्त्र कहता है नम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थाम गतो विला, जो एक बार भगवान का नाम लेना बाहर भीतर से पवित्र हो जाता है। लेकिन मैया कहती अपवित्र तू है, तुमने मिट्टी तो खाई, खाई कैसे मिट्टी। कृष्ण ने कहा मैया तो बड़ी भोली वाली हो, जल्दी जल्दी ये सखाओं की बात में आ जाती, आज कहा भैया तेरे को बताओ ये बोले कहा गयो, बोले ये जितने सखा है ना अपना घर से लड्डू कचौड़ी मालपुआ सब चोरी चोरी करके लाते, भैया तेरे को पता मैं चोरी का चीज खाता नहीं, बोले मेरे को सब पता तू क्या करता नहीं करता चोरी का चीज खाता नहीं, बोले ये सबके सब तो मेरे को बोले तू खा ले मैं खाया नहीं, वो समझ गए। क्योंकि अब देखा बचपन में ना सखा जितने लड़के होते हैं मिठाई मिठाई सब चोरी चोरी करके खाते हैं, इसलिए लगता है ये तो जा करके कृष्ण जाकर हमारे घर में बोल देगा तू ये खाया नहीं, अगर खाता तो बोलता नहीं जाकर चुगली कर देगा, बोले मैं चुगली करने से पहले मेरे नाम पर ये चुगली कर दी और तू जल्दी इनकी बात में आ गई। बोले मैया आज कहाँ गए तेरे को पता, बोले क्या हुआ, बोले दोनों पार्टी बन गए थे, मैं सबके साथ में कुश्ती लड़ रहा था और कुश्ती लड़ते लड़ते सब को मैंने परास्त कर दी, जब किसी तरह से मेरे जीत नहीं सके सोचे इनको किसी तरह से मार खिलाए और तेरे पास में शिकायत कर दी और तुम इनकी बातें में आ गई। इतने बोले बोले दाव दाव भाई झूठ नहीं बढ़ते बलदेव प्रभु, बोले बलदेव तुम बताओ ये मिट्टी खाए कि नहीं, बस उन्होंने भी गवाह दे दिए। बोले मैया अपना आंखों से देखा मिट्टी खाते हुए, हे कृष्ण जाएंगे। बोले मैया ये दाव भैया है ना ऊपर में देखने में बड़े गोरव हैं लेकिन अंदर में बड़े काले हैं, और मैं ऊपर में कारा तो हूँ लेकिन अंदर से बड़े गोरे हूँ। हमने बहुत अच्छी बात समझाई, इसका मतलब है बलदेव प्रभु ऊपर में तो गोरे लेकिन अंदर से काले, क्योंकि दिन रात कृष्ण चिंता करते हैं। आप ब्रज में जाओ कहीं भी बलदेव प्रभु को गोरे नहीं देखते, काले काले देखते, क्यों, कृष्ण चिंता करते करते वो काले बन गए। अगर तो मैं ऊपर से काला हूँ लेकिन अंदर में गोरा हूँ, बोले कैसे, बोले मैं आत्मा को राधिका है, मेरी जो आत्मा है ना राधा रानी, राधा रानी गोरी इसलिए ऊपर में तो कालो हूँ लेकिन अंदर में गोरो हूँ। इतने में कृष्ण अपना झूठ को स्थापन करने के लिए बोले मैया मैंने सूर्य को हाथ उठाकर बोल सकता हूँ मैंने मिट्टी नहीं खाई,
यमुना में खड़े होकर के बोल सकता हूँ, गैया को पीठ के ऊपर हाथ रख कसम खा करके बोल सकता हूँ, ताऊ भैया का सर पर हाथ रख कर कसम खा कर बोल सकता हूँ, मैंने मिट्टी नहीं खाई। कृष्ण पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर दिया, लेकिन मैया को बता कृष्ण बड़ा दुष्ट है, हैं? मैया को बता। इतने में कृष्ण सोचा अगर मैया को ये बोलूं, अगर मिट्टी खाया तो मुंह से खाया, मैं बोल दूं मैया तो मुंह देख ले, मैया मान जाएगी। जब उन्होंने बोले मुंह देख लो मैया को तो बता, इतने में कृष्ण तो ऐसे करके रखे थे, इतने में मैया को धमकी लगाई, बोले मुंह खोल मैं देखना चाहता हूँ। जब धमकी लगाई ना, कृष्ण का मुंह झट खुल गया, डर से जब खुल गया, लेकिन कृष्ण का मुंह में मिट्टी रखा हुआ, मिट्टी है, और मैया एक हाथ में कान पकड़ा और एक हाथ में डंडा। अभी था एक चीज को अच्छी तरह से समझो, कहते भगवान की जितने सारे लीलाओं को कौन करती, बोले जोग माया, ये सारे लीला को ही करने वाली। अभी ये जोग माया देख रही है, कृष्ण की इच्छा नहीं मैया मेरे को मारे, जो उनकी इच्छा जानकर लीला करती है, बोले कृष्ण की इच्छा नहीं मैया मेरे मारे, लेकिन अभी मुंह में ऑलरेडी मिट्टी, अगर मैया मिट्टी देख लिया ना, हाथ में डंडा, डंडा सब पीठ पे पड़ेगा। अगर मैं रहते रहते कृष्ण अगर पीट गए, फिर मेरी तो रहना बेकार है, मेरे बहुत प्रभु पीट गए। इतने में जो जोग माया थी ना, वो छोटी सी मुंह में ही अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड को दिखा दिया, कितने शंकर, कितने ब्रह्मा, कितने नक्षत्र, चंद्र, सूर्य। मैया जसोदा खुद को खुद देख रहे थे अंदर में बैठी, मैया तो देख देख करके, हे भगवान ये क्या, मैं अलाई बलाई देख रहा हूँ विश्व ब्रह्मांड, इसका अंदर मैं भी स्वयं। मैया सोच रही है हो ना हो, ये तो भगवान नहीं, क्योंकि भगवान के मुंह में विश्व ब्रह्मांड है, कहते हो ना हो ये का भगवान तो नहीं। मैया के मन में जो भावना आ गई, भगवान है ना, कृष्ण तो डर गए, बोले कृष्ण क्यों डर गए, बोले अगर मैया को पता चलेगा ये भगवान, फिर क्या करेगी। जैसे घर में उनकी सालग्राम है, उनके लिए छोटी सी मंदिर बनाई, और उनको सालग्राम को थोड़ी बातासा थोड़ी मिठाई बहुत लगा देती है, और घंटा हिला करके तुम्हें वह माता च पिता, तुम्हें वह तुम्हें वह बंधु सखा, तुम्हें वह तुम्हें वम विद्यांग द्रविण, तुम्हें वह तुम्हें वम सर्वम मम देव देव। जैसे मैया भोग लगाकर झट दरवाजा बंद कर देती, अगर मैया को पता चलेगा मैं भगवान हूँ ना, फिर मेरे लिए भी छोटा सा मंदिर बना है, और मेरे को इस मंदिर में बंद कर देगी, हैं? थोड़ी सी मिठाई मिठाई भोग बंद कर देगी, हैं? फिर मैं जो सखाओं को साथ में इतनी मीठी मीठी जो लीला करता हूँ ना, बस लीला खत्म। कृष्ण तो डर गए, जब कृष्ण डर गए, उनकी जो इच्छा शक्ति जोग माया, बोले भैया गड़बड़ी हो गई, ये विश्वरूप तो मैंने दिखा दिया लेकिन गड़बड़ी हो गई, क्या प्रभु तो डर गए मेरे को डर घर में बंद नहीं कर दे। इतने में उनकी इच्छा शक्ति जोग माया ने जो मुंह में जो विश्वरूप था ना, झट उन्होंने अंतर ध्यान कर दी। अंतर ध्यान जब कर दी, देखा कुछ नहीं, कोई छोटा सा मुंह, हाँ नन्हे मुन्ने बच्चे, छोटा सा मुंह। फिर मैया ने बोली, हे भगवान ये क्या देख रही थी। फिर गैया की पूछ से झाड़ा लगवाए, राई नून को मंत्र करके छिड़काव करवाए, लगता है मेरे ललापुर में भूत का सवार हो गया। हाँ देखो, इसमें बहुत अच्छी अच्छी रहस्य की बात, शिक्षा की बात। आप लोग बताओ कृष्ण मिट्टी खाए थे कि नहीं, बताओ कृष्ण मिट्टी खाए थे कि नहीं, खाए थे। फिर कृष्ण ये झूठ क्यों बोले, कृष्ण बोल दिए ना मैंने मिट्टी नहीं खाई। दुनिया बोलेगा जब भगवान मिट्टी तक खाए, और भगवान मना कर दिया मैंने मिट्टी नहीं खाई। फिर जब भगवान झूठ बोलते हैं, क्या भगवान झूठ बोलने में कोई दोष नहीं, जब केवल हम ही झूठ बोले दोष है। दुनिया यही सोचा के ना, भगवान झूठ बोलते दोष नहीं, हम झूठ बोलते दोष है। हाँ देखो, इसलिए हमारे श्री वल्लभाचार्य बहुत अच्छी बात बताए, बोले नहीं भगवान कभी झूठ बोलते नहीं, क्योंकि भागवत का जो प्रथम श्लोक है, बोले सत्यं परम धीमहि, बोले भगवान कौन नहीं, बोले परम सत्य है। फिर कृष्ण जब मैया की गर्भ में आए, एक साथ में 33 करोड़ देवता स्तुति किए, बोले सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य सत्य सजोनी निहितम च सत्य। ये कौन कह रहे हैं, 33 करोड़ ब्रह्मा शंकर नारद, 33 करोड़ देवता कह रहे, बोले सत्य व्रतम जिनका व्रति सत्य, सत्य परम, बोले परम जो सत्य है,
जो सनातन है, जिनकी धाम सत्य, जिनकी सब सत्य है, फिर भगवान सत्य है तो फिर भगवान ये झूठ कैसे बोलते हैं? हाँ, वल्लभाचार्य जी ने दो बात बताई, दो उदाहरण दिए, उन्होंने झूठ नहीं बोले। आप भी समझ लीजिए चीज को, कैसे कृष्ण झूठ नहीं सच बोले। देखो खाना किसको कहते हैं, जब हमसे कोई अलग चीज हो तब उसको खाना कहते हैं ना। इसलिए कृष्ण अपना मुंह को खोल कर क्या दिखाया, बोले मैया तू कह रहे हो बोले मीठी खाई है ना, बोले मीठी खाया कब, देख ये जो विश्व ब्रह्मांड है वो सब का सब मेरे अंदर ही है, जब दुनिया मेरे अंदर में है फिर मैंने खाया कब, सारा सब कुछ तो मेरे अंदर है। ये एक है। दूसरा है, ये संस्कृत शब्द है, ना अहम भक्षितवान हो, जब ये शब्द को संधि करते हैं ना होता है ना अहम, मतलब मैं नहीं मिट्टी खाई, जब इसको अलग कर दिया, लेकिन जब इसको अलग नहीं करके शब्दों को एक ही कर देते हो वो शब्द होता है नाहम। ये नाहम अर्थ का एक अर्थ होता है पर्यायवाची में ब्रह्मांड। इसलिए कृष्ण कहते हैं मैया तू कहती हो मैंने मिट्टी खाई है, मिट्टी की क्या बात है, मैं तो विश्व ब्रह्मांड को खा करके रखा, तेरे विश्वास नहीं, देख ले अगर तेरे को विश्वास नहीं। इसलिए कृष्ण ने मुंह खोले विश्व ब्रह्मांड दिखा दिया। इसलिए भगवान कभी झूठ नहीं बोलते हैं। वल्लभाचार्य कहते हैं प्रभु कभी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि अगर वो झूठ बोलेगा दुनिया का झूठ बोलने शुरू कर देगा ना, इसलिए भगवान सत्य व्रत है। और भगवान क्या दिखाए, बोले माँ तू कह रहे हो मैंने मिट्टी खाई ना, बोले नहीं मैया कि जो विश्व ब्रह्मांड है ना, कि जो ब्रज रज है, कहते ना राधे तेरी चरण की ब्रज धूल जो मिल जाए, ये चरण धूल तो विश्व ब्रह्मांड तरसते ही, ये ब्रज रज को देखो, हम लोग जो तिलक लगाए ना, ये तिलक क्या है, ये तिलक है क्या चीज, ये ब्रज रज है, हाँ ये ब्रज रज है। एक दिन नारद जी कृष्ण को बोल गए, प्रभु दुनिया के कहता है सब तेरे भगत है, और तेरे सबसे बड़े भगत कौन है। कृष्ण ने कहा समय आने पर बताऊंगा। एक दिन कृष्ण सर दर्द बुखार की लागी, उन्होंने वैद्य को बुलाए लेकिन सही नहीं हुआ। नारद जी बोले प्रभु तेरे नाम लेते ही जीव का भव बंधन नष्ट हो जाता है, अब तुम्हें बुखार है बताओ कैसे सही होगा। बोले एक ही उपाय है, मेरे कोई प्यारे भगत मेरे को चरण धूलि दे दे और उसमें मेरे को स्नान कराया जाए ये सही हो जाएगा। बोले नारद दुनिया कहते तुम मेरे परम भगत हो, थोड़ा चरण धूलि दे दे। बोले राम 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 राम। बोले प्रभु आपके चरण धूलि दूं क्या, नरक भेजना चाहते हो। बोले जाओ यहाँ पर महिषी उद्धव आदि बहुत सारी भक्त है, किससे ले आओ, और जिसको पास में नारद गए सब गाली गाली सुनी सब। बोले भगवान के चरण धूलि देंगे तू बोलते हो कैसे, पापा से आ गए। बोले प्रभु कोई भी देने के लिए तैयार नहीं हुए। बोले सब जगह में गए। बोले हाँ, बोले ब्रज में गया था वृंदावन में। बोले प्रभु केवल ब्रज में नहीं गया, मैंने सोचा वो ग्वालिनिया कंडा पीने वाली गद्दी मंदिर करने वाली दूध काटने वाली उनको क्या भक्ति बता। बोले नारद जी भक्त हो तो वहीं पर है, मेरे भक्त है ना केवल एक ही जगह पर वहीं पर और कहीं नहीं, एक बार वहां पर जाओ। जब ब्रज में नारद पहुंचे सारे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए। बोले कहाँ से आए। बोले द्वारका से। बोले हमारे लाला कैसे, हमारे कन्हैया कैसे। बोले उनको तो सर दर्द बुखार। बोले दवा नहीं दे। बोले दवा तो लेने आया। बोले किस चीज की। बोले कृष्ण बोले मेरे कोई भगत अगर हमें चरण धूलि दे दे उसमें मेरे को स्नान कराया जाए कुछ सही होगा। बोले कोई बोरी भरी लाया कि नहीं, जितने ब्रजवासी थे ना गोपियां ब्रजवासी चरण को रगड़ 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 कर धूल निकाले और कपड़े में बांध कर सर भर दे दिया। बोले लो लेकर के कृष्ण का स्नान करा देना। नारद तो देख देख करके दंग हो रहे थे। बोले हे भगवान, बोले तुम्हारी तुम्हें पता नहीं कृष्ण भगवान है, अरे भगवान को चरण धूलि देकर क्या नरक जाओगे, देखो ब्रजवास का क्या उत्तर है। बोले नारद अगर कृष्ण सुख के लिए एक जन्म नहीं, अगर करोड़ जन्म के लिए अगर हमें कहीं नरक जाना पड़े हम करोड़ जन्म नरक जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कृष्ण का हम दूर नहीं देख सकते हैं। बोले भैया ये लोग सच भक्ति है। अरे नारद जी उसको लेकर के द्वारका में गए। द्वारका कोई गए हो आप लोग, कौन गए हाथ उठाओ तो, एक दो तीन चार पाँच, हाँ वहाँ पर आप देखे होंगे कि गोभी तालाब है, कि जो हम तिलक लगाते हैं ना वो वहीं से ये तिलक आता है, वहीं से ये तिलक आता है, पृथ्वी में कहीं ऐसे मीठी नहीं मिलती है, हाँ जिसको स्वयं कृष्ण स्नान करके सर दर्द बुखार गई। इसलिए हमारा भी संसार में बड़ा सर दर्द है कि नहीं, हमारा भी भव भव रोग की बीमारी है, अगर ये तिलक कोई लगाएगा ना
बस सारे खत्म हो जाएंगे। इसलिए माँ यशोदा कृष्ण को रोज इसी चीज को तिलक लगाया करो, रोज देखो हम लोगों को भी तिलक लगानी चाहिए, हम लोगों को भी तिलक की बड़ी महत्व। आप तो हिंदू देखना, जैसे कोई व्यक्ति किसी बिजनेस में जा रहे हैं अच्छे व्यवसाय के लिए, हम क्या करते हैं तिलक लगा कर देते हैं। कोई अपना युद्ध के लिए जाता है, देखना कोई तिलक, ये क्यों, ये विजय का लक्षण है। जैसे घर में पंडित पूजा कराने आएगा, बगैर तिलक के पूजा ही नहीं करवाएगा, हैं, बगैर तिलक के पूजा ही नहीं करवाएगा। इसलिए ये तिलक की बड़ी महत्व। और देखो ये जो दो है ना, ये जो दो है ठाकुर का दो चरण है, इसको नीचे देखो जैसे तुलसी पत्ता जैसे, समझो ठाकुर जी के चरण में तुलसी डाल दिया, ये करता है। यदि ये ब्रह्मा, ये विष्णु और ये महेश, और इसको बुलाएंगे भगवान का मंदिर है। पुराण में एक श्लोक आता है, कभी जो तिलक लगाता है अगर ये तिलक को कोई दर्शन कर लिया ना, कभी उसको साक्षात कृष्ण दर्शन करने का फल मिलेगा। और जिसका शरीर में तिलक है बताए, उसको शरीर में गंगा, जमुना, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, दुर्गा, उसको शरीर में इस सब के सब निवास करते हैं। जो व्यक्ति ये तिलक धारण करता है इसकी बड़ी महत्व है। और देखो ये तिलक है ना, हम एक जगह पर नहीं लगाते, हम तिलक बारह जगह पर लगाते हैं। जैसे यहाँ एक, यहाँ 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 यहाँ, हम बारह जगह पर लगाते हैं। और ये भगवान को बारह प्रणाम है। अब भागवत में पढ़ो, माँ यशोदा कृष्ण को बारह जगह पर तिलक लगाया करती थी। एक मंत्र है, कहते ये जो तिलक है ना, बोले ललाट के सवाय नम, उदर में नारायण, बख्य माधव, कंठे गोविंद, दक्षिण पार्श्व से विष्णव, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामवत वामधराय, ऋषिकेश, दामोदर, वसुदेव, पद्मनाभ। मतलब ये भगवान के बारह प्रणाम है, मतलब है भगवान हमारी बारह जगह पर निवास होंगे। ये तिलक की इतने महत्व है, आप लोग सुने होंगे कर्ण का शरीर में कवच होता था, सुने होंगे, बोले जब तक उसका शरीर में कवच रहेगा उसको दुनिया में कोई नहीं मार सकता। कहते ये तिलक नहीं, ये कवच है। ये तिलक रूप में, कहते जब मई ये आ गई ना, पूतना आ गई, फिर मैया कृष्ण भी तिलक लगाई मंत्र पढ़ करके, बोले मेरे लाला ललाट को कैसा उदर रखा करे। इसमें इतने शक्ति है, जैसे आज तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े अनहोनी है, एक्सीडेंट होने वाले, तुम्हारे जीवन में एक्सीडेंट है, लेकिन आप तिलक लगाकर रह जाओगे एक्सीडेंट नहीं होगी, नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर बारह जगह पर भगवान के निवास हो गए, जहाँ ठाकुर जी शरीर में बैठ गए, किसी तरह का बाधा विपत्ति तुम्हारे शरीर में नहीं आएगी। देखो आपके सच रखना सुनाता, अभी हमने यहाँ पर एक अशोक नगर, नोएडा में एक अशोक नगर है, उस परिवार सब दिखित है। तो एक थी, एक छोटी बच्ची थी जिसका उम्र थी 2.5 साल की, उसकी मैया तिलक लगाती है, उसने भी बेटी को, अपना बेटी को तिलक लगाया। और उसका जो घर है ना 5 मंजिल ऊपर में उसके घर है, वो छोटी बच्ची देखो इसे जानते हैं, जब जानते हैं राधा नाम उसका, हाँ राधा नाम है, हाँ वो लड़की का नाम राधा नाम है, हाँ? वो लड़की 5 मंजिल ऊपर से छोटी बच्ची थी, वो वहाँ पर जो गैलरी थी ना वो देख रही थी। वो छोटी बच्ची थी, वो कहीं से नीचे झांकते झांकते वो हंसी गिर गया, 5 मंजिल से 2.5 साल की बच्चे गिरी, उसका कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आप देखकर दंग रह जाओगे, अगर इतने दूर से पड़ेगी ना क्या छत्तू हो जाएगी, बच्चा छत्तू बन जाएगी। लेकिन वो बच्चा था कुछ नहीं हुआ, क्यों, वो तिलक उसका मैया ने पूरा उसको 12 अंगों में तिलक लगाने लग गया। इतने ये तिलक की महत्व। इसलिए भगवान कृष्ण को देखो, कृष्ण को देखो तिलक लगाए, अब भगवान राम को देखो इतने बड़े तिलक, हनुमान जी को देखो तिलक है, हाँ तुलसीदास जी को देखो तिलक है, अब भगवान नारायण को देखो उनका तो इतना बड़ा तिलक। अब नारायण का कहीं फोटो देखना, पूरा उनका आधा मुंह तिलक में, हाँ देखो। जैसे कोई यहाँ पर जैसे श्रद्धा स्त्री है, आप लोग सिंदूर लगाती हो, मान भरती है कि नहीं, सिंदूर लगाती मान, बोले क्यों लगाती हो, बोले सुहाग का चिन्ह है, बोले कब से ये सुहाग तुम्हारी बनी, शादी से पहले कोई था, बीच में डाइवोर्स हो गया तो, फिर मरने के बाद सारे सुहाग खत्म। जब ये 2 दिन की सुहाग के लिए इतने मांग भर सिंदूर लगा देते हो, जो जन्म जन्मान करके जो हमारी पति है, जो तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु सो, तो उसके लिए कितने सुहाग नहीं धारण करनी चाहिए। कहना ऐसे बर को क्या बरे, जो जन्मे और मर जाए, बर बरी हो श्री गोपाल जुसो, जो चुड़न अमल हो जाए। कहते ना आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो,
मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। कहते हैं तिलक अगर धारण कर लिया ना, बस कृष्ण तुम्हारे प्रियतम बन गए। जैसे पति का सामने पत्नी जब सुंदर श्रृंगार करके जाती है, पति खुश हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। लेकिन पति जिंदा, तुम एक विधवा रूप धारण करके जाओ, पति स्वीकार करेगा तुम्हें? बोले जिंदा रहकर खत्म कर डाले। उसी तरह जब हम ठाकुर के सामने जाते हैं ना, ठाकुर जी अगर तीन चीज तुम्हारे अंदर में हो, ठाकुर जी कहते तुम मेरे। तीन चीज क्या है? कहते केशव लला तिलक, दूसरी चीज है गला में तुलसी कंठी, और तीसरी चीज है भगवान की माला। एक उदाहरण देते हैं, जैसे आप अमेरिका जाना चाहते हो, नहीं तो फ्रांस विदेश जाना चाहते हो, आपको तीन चीज की जरूरत है, नहीं तो आप इसी दुनिया में भी विदेश नहीं जा सकते। बोले कौन तीन चीज है? पहला नंबर तुम्हारे पासपोर्ट होनी चाहिए, है पासपोर्ट होनी चाहिए। उसके बाद में दूसरी चीज बोले वीजा होनी चाहिए। बोले तीसरी चीज बोले टिकट होनी चाहिए, फिर आप विदेश जा सकते हो, नहीं तो विदेश जा नहीं। जब दुनिया में तो विदेश के लिए तीन चीज जरूरत है, तुम बोलो कि वृंदावन के लिए तुम्हारी भी तीन चीज जरूरत है। पहला नंबर पासपोर्ट। बोले ये पासपोर्ट क्या है? बोले गले में तुलसी की कंठी होनी चाहिए, क्योंकि ये तुलसी साक्षात लक्ष्मी है, ये कोई लकड़ी नहीं। आप दुकान से ढूंढना के तुलसी पावर कितने बड़े बोतल मिलेगा, एक पेपर मिलेगा, पढ़ कर देखना 200 बीमारी का नाम लिखा हुआ, दो दो तुलसी पत्ता जो खाएगा ना, जिंदगी में टीबी कैंसर जरूरी होगा। इसलिए गले में जब कंठी धारण करते लक्ष्मी की निवास हो जाती है, और भगवान कृष्ण तुलसी में अपना स्वरूप प्रकट कर गए, लक्ष्मी नारायण की निवास गले में हो जाती कंठी में। और देखो उसमें साइंस भी गाल को दीजिए है, प्रश्न है हम गले में क्यों धारण करते, देखो क्या साइंस है। कहते शरीर का जो सबसे कोमल अंग ये कंठ है, अंदर में जब कोई गंदी चीज प्रवेश करता है इधर से, बच्चों को ताबीज कहाँ पहनाते हो? यहीं पर। किसी व्यक्ति को गला दबा दो, चट खत्म हो जाएगा, है इसलिए। लेकिन यहाँ पर जो ये तुलसी कंठी, इसमें कौन है? साक्षात माँ लक्ष्मी और ये नारायण है, और सारे मेडिसिन उसके अंदर में। इसलिए कोई भी गंदी चीज आएगी ये आपको प्रोटेक्शन करेगा, अंदर में घुसने नहीं देगा। इसलिए हम सबके सब गले में धारण करते हैं। और जब महाराज उनको दूतों को बोले, बोले देखो जो भगवान की भक्ति करते हैं ना, उनको मेरे पास में बतलाया करो। बोले हमें तो पता कैसे चलेगा? देखो उन्होंने क्या बताया, बोले दो तरह के कुत्ते होते हैं, एक पालतू कुत्ता और एक फालतू कुत्ते। जो पालतू कुत्ते होते हैं ना, गला में पट्टा बंधा हुआ रहता है, देखने से पता चलता है किसी घर की कुत्ते हैं। और जो फालतू कुत्ते बिना पट्टे के जो रोड रोड में घूमते हैं, देखना पालतू को कोई मारता नहीं और फालतू को कोई छोड़ता नहीं। इसलिए हमें फालतू नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? किसके पालतू हो? भगवान की पालतू हो, ठीक है ना। और तीसरी चीज क्या चाहिए? एक तो हो गया पासपोर्ट हो गया, फिर वीजा तिलक, और क्या होनी चाहिए तीसरा चीज? टिकट होनी चाहिए जाने के लिए। बोले टिकट किया, बोले भगवान का नाम है। बोले ना कलयुग थे, बोले नाम आधारा और सुमेरी सुमेरी नर होता रहे। इसलिए तीन चीज होनी चाहिए। देखो ये लोग तीन चीज ही निकाल कर, ये विदेश से होकर के ना, जैसे हम तो भारतीय है ना, हम तो मानते हैं भक्ति भक्ति मानते हैं तुलसी, लेकिन ये विदेश के लोग ये भक्ति भक्ति कुछ नहीं मानते। जब तक कोई चीज को प्राक्टिकल साइंटिफिकल रूप में नहीं देखे, कि कोई चीज मानने के लिए तैयार नहीं। देखो तिलक लगाए, कंठी तिलक माला छोड़ी सब इनको पास, ये सब हमारे घर में लूट रहे और हम अपना भारतीय होकर के ये चीज को छोड़ रहे हैं। और जितने उनका जो खान पान था ना, उसको सब ग्रहण कर रहे हैं, और वो लोग हमारी चीज को देखो धोती धोती सब तिलक तिलक, देखो लड़की को देखो कैसे बैठी तिलक वाला सब माला भजन कर रहे हैं सबके साथ। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति हमें ग्रहण करनी चाहिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, भजन है तो जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। ओ मुझे लगी शाम संग ये दुनिया क्या जाने, लगी शाम संग दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग दुनिया क्या जाने। ओ क्या
के पास 7 दिन थे, हमारे पास नहीं है, कोई भी कभी भी कुछ भी हो सकता है जो हम देख रहे हैं। और कई बारी मैं इस बात को करता हूं, कभी आप इंटरनेट पे जाए, हालांकि मैं तो कभी नहीं गया, लेकिन लोगों ने मुझे बोला इंटरनेट पे ये बात है कि हर 1 सेकंड में 2 व्यक्ति मर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस धरती पे 2 व्यक्ति मर रहे हैं। तो क्या इस बात को हमें पूछना या हमको हमारे अंदर कोई जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है? कुछ लोग कहते हैं भाई आप लोग ऐसे बोलते हो, हमें डरा देते हो। तो हम उनको ये कहते हैं कि भाई देखो, खरगोश के सामने अगर शेर आ जाता है तो खरगोश क्या करता है? अपनी आंखें बंद कर देता है खरगोश कि भाई मुझे शेर नहीं देख रहा है। लेकिन शेर क्या करेगा? शेर तो देख रहा है और शेर उसको खा जाएगा। अगर हम खरगोश बुद्धि अपनाएंगे और इस बात की चर्चा नहीं करेंगे, मैंने कहा ना हमारे रसानंद प्रभु जो हमारे भक्ति वेदांत श्री धर्मराज जी हैं, हमारे अंदर अभद्र है इस संसार के भोगने की काम वासनाएं सब हम लेके बैठे हैं। और कितने सपने हम लेके बैठे हैं, कितने जैसे हजारों साल के सपने हम हृदय में लेके बैठे हैं और इतनी आसक्तियां हम इस संसार में बनाए बैठे हैं। तो उन्होंने कहा नष्ट प्रायेशु, प्रायः ही सारे हमारे अभद्र, अभद्र मतलब जितने भी गंदी काम वासनाएं भोग वासनाएं संसार को किसी तरह से हम इस संसार को भोग ले, ये हमारे अंदर वासनाएं हैं। नष्ट प्रायेशु अभद्रेशु, जितने भी हमारे हृदय के लिए रोग हैं ये कब खत्म होंगे? इस भागवत नित्यम भागवत सेवाया, नित्यम इस नित्य भागवत की सेवा से। अगर हम ये देखें कि 2 व्यक्ति 1 सेकंड में मर रहे हैं, तो अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे, क्योंकि मुझे किसी ने बताया, क्योंकि मुझे इंटरनेट खोलना नहीं आता, संतों की कृपा से श्लोक के ऊपर श्लोक तो हम पिछले 20-25 साल से याद करते रहे, तो 10 न्यूजीलैंड खाली हो जाएंगे, 2 ऑस्ट्रेलिया खाली हो जाएंगे, 1 इंग्लैंड खाली हो जाएगा। ये क्या है कि हमें इसे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए? 3 व्यक्ति मर गए, बस उलट गई, क्यों उल्टी? क्योंकि सरकार ने सड़कें नहीं बनाई थी, ये नहीं करा था, वो नहीं, उसके लिए चर्चा शुरू हो जाएगी, कई दिन तक अखबारों में आने लग जाएगा। लेकिन ये जो खबर है ये कौन देगा हमें कि क्या हो रहा है? जब हम इस खरगोश बुद्धि से उठ के इस बात को करेंगे, यही श्रीमद् भागवत यहीं से शुरू होती है। परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के पास है उसको से भरा हुआ है, और मैं कड़वी वाणी बोलता हूं, अभी महाराज जी राधा जी का बड़ा सुंदर भजन करवा रहे हैं। ये राधा तत्व तो सबसे गंभीर तत्व है, पता है आपको? हमारी बुद्धि नहीं है वहां तक जाने की। राधा जी की विवाह हो रहा है, मेरा विवाह करवा दो, कृष्ण बोल रहे हैं, अननाथ्य राधा पदांगोज रेणु मनाश्रिता वृंदा कवि तत्पदांकम असंभाष तदभाव गंभीर चित्तम कुतैश्याम सिंदूरस सर्वगः। रघुनाथ दास गोस्वामी स्तवावली में क्या बोल क्या रहे हैं, कहते ये बड़ा गंभीर भाव है भाई, ये राधा भाव जो है, हमें क्या पता राधा जी कौन है, कृष्ण के साथ क्या संबंध है उनका? हमारे पास बुद्धि नहीं है, हमारी आंखें हमारा हृदय काम से भरा हुआ है, हम क्या देख रहे हैं, क्या सोचते हैं? गंभीर, ये बहुत गंभीर विषय है। अच्छा, राधा कृष्ण लीला होए अति गूढ़तर, दास्य साक्ष्य दास्य वात्सल्य आदि नाही एक गोचर। कहते हैं भाई हमारी बात तो छोड़ो, अभी महाराज बता रहे थे ना, नेमम विरिंचो न भवो न शिरक अंग संग श्रेया प्रसादम ले भी ए गोपी तस्य प्राप्ति मुक्ति दाता। ये सुखदेव प्रश्न पूछ रहे हैं और कह रहे हैं, परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, नेमम विरिंचो नहीं मिला ब्रह्मा जी को भी, ये ब्रज का प्रेम की बात हम कर रहे हैं, नहीं मिली, विरिंचो मतलब ब्रह्मा जी, नहीं मिली तो हम ब्रह्मा जी से ऊपर हो रहे हैं। नेमम विरिंचो न भवो, भवानी के पति भवो शिव जी उनको भी हासिल नहीं हुआ ये नेमम विरिंचो न भवो न श्री रप अंग संग श्रेया, रप अंग संग श्रेया कौन, लक्ष्मी जी को भी नहीं मिला, आज भी वो बेलवन में वहां पे तपस्या करने ब्रज में नहीं घुसी है, वो लक्ष्मी जी को नहीं मिला।
फिर मिला किसको ये? और हम इतनी सुंदर तरह से राधा जी का भजन गा के हम चल पड़ते हैं और यहां से उतरते ही हम भूल जाते हैं संसार की आसक्ति और भोग शुरू हो जाता है। तो हमने क्या सुना था? नित्यम भागवत सेवाया। क्या हम ये सोचते हैं कि महाराज जी से 6 दिन कर लिया, अब ये महाराज जी बोलते ही चले जाए? कैसे हमारे हृदय में आया? क्योंकि कृष्ण तो अनंत है, उनके पास स्वाद भी अनंत है। क्या हम ये सोच रहे हैं? नहीं नहीं, 6 दिन पूरे हो गए हैं जी, 7वां दिन कल खत्म होगा, चलो जी भागवत हो गई। नित्यम भागवत सेवाया, हर वक्त भागवत का नित्य पाठ करते रहेंगे ताकि कब इस हृदय में से ये संसार की वासनाएं हटेंगी और कब वो शुद्ध प्रेम जागेगा। तो मैंने क्या बोला था अभी, राधा कृष्ण लीला होए अति गूढ़तर चैतन्य चरितामृत। बड़े गूढ़तर मतलब बड़ी कॉन्फिडेंशियल, बड़ी सीक्रेट है भाई ये राधा कृष्ण लीला। दास्य वात्सल्य आदि नाही ए गोचर। दास्य मतलब कृष्ण की जो दास ब्रज में घूम रहे हैं ना, उनको तो छोड़ो, वात्सल्य ये शोदा मैया और नंद बाबा को भी वहां पे एंट्री नहीं है। अच्छा, नंद बाबा यशोदा को भी एंट्री नहीं है? तो हम तो बड़ी अच्छी तरह ताली बजाए, बड़ी जोर जोर से राधा कृष्ण का विवाह करवाया और हम चल पड़े। तो यहाँ पे तो यशोदा मैया को भी गोचर नहीं है भाई ये, तो हम क्या सुनने आए हैं? तो संतों ने बड़े सुंदर रूप में हमें इन कथाओं के द्वारा, कब ऐसा होगा क्योंकि नहीं तो हम बैठेंगे ही नहीं, अगर ऐसी कथा मेरी जो चलती रहेगी तो आप बोलेंगे अच्छा प्रभु ये कब जाएंगे वृंदावन, वापिस इनको वृंदावन ही भेज दो, ये वही ठीक है, नहीं तो ये हमें भी वृंदावन ले जाएंगे। असली में ये हमारे जो डॉक्टर बैठे हैं यहाँ पे, असली में ये आपको वो गोली दे रहे हैं मीठा लगा के, ये ऊपर मीठा लगा रहे हैं, असली में ये जानते हैं क्या चाहते हैं, इनसे पूछिए इनके हृदय में क्या है। ये चाहते हैं हम वृंदावन जाए, ये लेने आए हैं हमें, आज महाराज जी का मैं पर्दाफाश कर रहा हूं, ये लेने आए हैं। पूछ लो इनसे, ये झूठ नहीं बोलेंगे, जैसे कृष्ण झूठ नहीं बोलते हैं ना, ये भी झूठ नहीं बोलेंगे, ये हमें लेने आए हैं। वो वृंदावन का जो रस है, अच्छा, तमात जष्टिं प्रसमित खया सत्वरा। तमात उसी वक्त, जष्टी मतलब मैया यशोदा ने डंडा उठाया, तमात जष्टिं प्रसमित खया सत्वरा, समीक्षण करने ले कृष्ण, मैंने दही तो चुराई है, मैया की भांड फोड़ी है, तो मैया ने डंडा उठा लिया, समीक्षया सत्वरा, सत्वरा मतलब जल्दी जल्दी उन्होंने क्या किया कृष्ण ने, कहीं मुझे लाठी ना पड़ जाए मेरे सर पे। ततो अवरूय पससार भीतवत, अवरूय मतलब वो ऊपर चढ़ गए, कहां पे, छोटे छोटे कदम लेके मटकी के ऊपर चढ़ गए कि भैया मुझे ना मारे। भीतवत, भीतवत मतलब डर गए कि अब मुझे मार पड़ेगी। ततो अवरूय पससार भीतवत ततो अनुधावन ममापि योगी नाम। अनुधावन वो मैया, गोपी धावन वो गोपी कौन, यशोदा मैया ने क्या किया, बड़ी जोर से वो दौड़ी किसी तरह से आज मैं अपने बच्चे को ठीक कर लूं नहीं तो ये बिगड़ जाएगा, तो डंडा उठाया और भागना शुरू। ये श्रीमद् भागवत की कथा ही बोल रहा हूं मैं। वो क्या कर रही है मैया, जिससे स्वयं काल डरता है, मद भयात वाती वातो यम मद भयात, सूर्य स्तपति मद भयात, जिससे मृत्यु डरती है, जिससे सूरज अपनी गर्मी लेता है, जिससे हवा डरती है और हवा बनती है, अपने उनके डर से हवा पैदा होती है, आज वो ही डर गया, आज वो डर गया क्योंकि उसने मैया की मटकी फोड़ी और मक्खन निकाल लिया और मैया ने डंडा उठाया। सतो अवरूय पससार भीतवत गोप्यानुधावन ममापि योगी नाम। बड़े बड़े योगी अपने मन की स्थिति, मन की तपस्या से सब कुछ छोड़ के बड़ी बड़ी पहाड़ की चोटियों में चढ़ के वहां बैठ के अपनी मन की गति से वो योगी लोग क्या कर रहे हैं, कृष्ण के ध्यान कर रहे हैं और उनका ध्यान वहां नहीं जाता। और आज क्या किया, आज मैया ने उस कृष्ण से भी ज्यादा तेल तोड़ के आज कृष्ण को पकड़ ही लिया है। पससार भी तो योगी नाम, बड़े बड़े योगी नहीं पहुंच सकते लेकिन आज मैया ने उनको पकड़ ही लिया है भाई। अब आपको एक और बात बताएं, जब शुरू में श्रीमद् भागवत शुरू होती है तो वहां पे कुंती जी की कुछ प्रार्थनाएं हैं। कुंती जी पता है कौन है, कृष्ण की बुआ है, 5 पांडवों की माँ है और वो कृष्ण के साथ उसका संबंध है। अब वो हस्तिनापुर में बैठी हुई
वो क्या कर रही है, वो देख रही है कि मेरे पांच लड़कों के साथ कृष्ण खड़े हुए और उन्होंने क्या किया, इतने बड़े बड़े वीरों को कृपाचार्य द्रोणाचार्य सबको ही उस कृष्ण के दिमाग से ही, अभी तो कृष्ण ने कुछ किया ही नहीं तो मेरे लड़के तो इतने शक्तिशाली नहीं थे कि भीष्म देव ये कृपाचार्य इन सबको हरा कैसे दिया। तो कुंती मान गई कि ये स्वयं भगवान है, कुंती मानी क्योंकि वो हस्तिनापुर में है, वो ब्रज में नहीं आई, लेकिन उसको खबर मिलती थी, ब्रज की खबर मिलती थी। तो क्या कहती है, गोप्या ददे, ये कृष्ण ये कुंती जी की प्रार्थना है, उसकी एक प्रार्थना बोल के मैं विराम दूं, गंभीर विषय है, अगर उसको नहीं याद करेंगे तो भाई फिर इस संसार को जैसे मैंने बताया 10 न्यूजीलैंड खाली हो जाते हैं 300 ठीक है, बोले गोविंद जय जय गोपाल। आप घर को मंदिर में प्यार ही मत रखा करो, बोले देखो अगर प्यार रखी है ना तो मेरा कोई दोस्त नहीं था, तो मेरा कोई दोस्त नहीं था ना, बोले क्यों, बोले वहां पर जो कृष्ण बांकी बिहार जो कृष्ण खड़े हैं ना है, अगर एक बार उनको दर्शन करोगे बोले सिरु पर नयन हेरे केह नाही घर पिले संसार जीवन जत सहाय सरनास, मतलब है एक बार अगर उसको तुमने देख लिया है फिर तुमको घर में वापस नहीं आओगे। देखो और ऊपर ऊपर तो मीठी मीठी हंसते हैं लेकिन वो अंदर से चाकू चलाते हैं, उनका जो तेज चितवन नहीं वो तीर है, अगर इधर लगेगा ना इस पार से उस पार हो जाएगा। देखो उनका सर पर जो मोर मुकुट है उसमें तो नजर पड़नी नहीं चाहिए, बोले क्यों क्या बात है, बोले अगर एक बार अगर उसको अगर पत्नी देख लिया ना तो फिर पति को भूल जाएगा, अगर उसको पत्नी देख लिया पति को और पति देख लिया तो पत्नी को भूल जाएगा, अगर बेटा देख लिया ना फिर तो उसने पिता माता को भूल जाएगा, अगर पिता माता देख लिया ना फिर तो वो बेटा को भूल जाएगा, जो एक बार उसको देखेगा बस फिर वो दुनिया की कहीं भी नहीं रह जाएगी, फिर तो बाबरी हाँ पागल बन करके राधे राधे बोलो और वृंदावन में। इसलिए हमारे प्रभु जी है ना यही सही किया, एक बार गए और उनके एक बार दर्शन किया तो पूरा घर भूल गया, अपना बीवी को अपना बेटी को अपना पिता को अपना माता को सब भूल करके हम वृंदावन में बस प्रभु जी भजन में ही डूब गए। इसलिए प्रभु जी बता रहे थे हम लोगों का केवल यही उद्देश्य है, हम जो कथा कर रहे हैं इसका केवल यही उद्देश्य, क्या उद्देश्य है, आप लोगों को जिस तरह से वृंदावन और भगवान को दर्शन करा देना बस, तभी ये जीवन हमारी सार्थक हो जाएगी। और जो सार्थक का जो कथा है ना इसका सार भी यही है, इसका यही सार है, सबके सब प्रभु की भजन में डूब जाओ, प्रभु की भक्ति में रह जाओ और उसी में ही आनंद है और उसी में ही शांति है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। लेकिन उनका जो जय देते है ना उनका जय नहीं, आप जितने जोर से उनका जय दोगे अपना ही जय होगा, अपना ही पाप कटेगा, अपना ही दुर्घटना मिटेगा, इसे जोर से जयकार लगाओ। श्री गिरिराज महाराज की अभी लग रहा है कथा हो रही है, कहती जो गिरिराज गोवर्धन है इनकी अलग अलग कथा है, कहती गिरिराज गोवर्धन है कौन, वो आए कहां से, इसलिए गर्ग संहिता में बताया एक दिन गोलोक वृंदावन में राधा कृष्ण दोनों निकुंज में बैठे हुए थे और आपस आपस में चर्चा कर रहे थे, ऐसे एक धाम हो ऐसे एक स्थान हो जो पृथ्वी में सबसे सुंदर हो, जहाँ पर हर तरह का फल फूल लता पता झरना पेड़ पौधा, जहाँ पर एक साथ में 6 ऋतु बहता हुआ हो, पृथ्वी का सबसे सुंदर स्थान हो। तब राधा रानी कहते प्रकृति है ये मनसा जात, तब राधा रानी स्वयं अपना हृदय से ही वो गिरिराज गोवर्धन को प्रकट किया, हाँ ये राधा रानी हृदय है, कहते ये बढ़ते जगत में कैसे आए,
बोले कृष्ण जब इसी मरते जगत ना आना चाहते थे, एक दिन राधा रानी से पूछो बोले हे राधे मैं मरते जगत में लीला करने के लिए जाना चाहता हूँ, तू चलोगी? बोले मैं नहीं जाता। बोले क्यों? बोले जहाँ पर गिरिराज नहीं, जहाँ पर नंदगाम बरसाना नहीं, जहाँ पर यमुना नदी नहीं, तो मैं वहाँ नहीं जाती। बोले हे राधे जब मैं मरते जगत में जाऊँगा ना, मैं अकेला थोड़ी जाऊँगा, ये गोलोक वृंदावन में तुम जो कुछ देख रहे हो, हाँ जो कुछ गोलोक वृंदावन में देख रहे हो, ये सब के सब को लेकर के भी जाऊँगा, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरे बाल वाले जाएंगे, मेरे पिता माता जाएंगे, तू अकेले थोड़ी, तेरे पिता माता, तेरे अष्ट सखी, अष्ट मंजरी, ये सब के सब चलेंगे, और नंदगांव बरसाना गोवर्धन सब चलेंगे, राधा रानी घर में चलेंगे। इसका मतलब है आप ब्रज में जो जो चीज देखोगे ना, वो इसी जगत का कोई वस्तु नहीं, वो बोलो वृंदावन से प्रभु सब उतार करके ये बढ़ते जगत में आए हैं, ठाकुर जी सबको सब लाए। इसलिए कहते हैं गिरिराज गोवर्धन आए थे इसे गोवर्धन, इसके पीछे दो कथाएं आती हैं। एक कथा आती है जिस समय भगवान राम लंका में माता सीता को उद्धार करने के लिए खून बांध रहे थे, उन्होंने बंदरों को आदेश दिया बड़े से बड़े पत्थर लेकर जाओ, और उसे हनुमान लाल जी इसको ऊपर में राम का नाम लिख करके और नल लील स्पर्श करते थे, वो पानी में तैरता था। अभी हनुमान जी ने देखा जल्दी से जल्दी पुल बन जाए और माता सीता का उद्धार हो जाए, और ढूंढ रहे थे कहीं से बड़े कहीं पहाड़ मिल जाए। उन्होंने भ्रमण करते करते जब सालमली द्वीप में पहुंचे, देखा विशाल से गिरिराज गोवर्धन, इतनी बड़ा गिरिराज गोवर्धन, बोले अगर इसको जल्दी जल्दी ले जाओ ना, पर जल्दी जल्दी पुल बन जाएगा। उन्होंने जय श्री राम बोल करके पूरा के पूरा उन्होंने गिरिराज पूरा उन्होंने उठा लिया गिरिराज गोवर्धन को, और आकाश में उड़ते हुए जा रहे थे। अभी आप लोग गिरिराज गोवर्धन गए होंगे, जब वहीं पर आए इतने में जो पुल बन रहे थे पुल समाप्त हो गया। प्रभु राम ने आदेश दिया सारे बंदर को बताओ अभी गिरिराज अब पत्थर की जरूरत नहीं, पुल बन गया, और जहाँ से पत्थर ला रहे वहीं पर रख लो। हनुमान जी गिरिराज ने वहीं रख लिए, रख लिए तो गिरिराज गोवर्धन रोने लगे, बोले मेरे को इतने दूर से हम लाए हो, वहाँ जाता तो प्रभु स्वयं ऊपर चल करके जाते, माता सीता चल करके आती, सभी भक्तों का चरण की धूल मिलता, भगवान की सेवा में लगता, तो कम से कम आप तो मेरे को यही छोड़ कर गए। लेकिन हनुमान जी त्रिकाल दृष्टा, बोले चिंता मत करो, यही राम जब द्वापर युग में कृष्ण बन करके आएंगे, अभी तो थोड़ी सी सेवा की सौभाग्य मिलता, उस समय में ये गिरिराज गोवर्धन को कृष्ण कनिष्ठ अंगुली उठाए, और जितने ब्रजवासी सब के सब इसके नीचे आश्रय ग्रहण करेंगे, दहिया चढ़ाएंगे कृष्ण, पानी पिएंगे, फूल फल सब कुछ तेरे से ग्रहण करेंगे। अभी तक थोड़ी सेवा में लगता लेकिन उस समय बहुत सेवा में आओगे, कोई चिंता मत करो, यही कृष्ण राम ही द्वापर युग में जल्दी जल्दी कृष्ण बन करके आने वाले। कहते ये एक कथा है। बोले दूसरी कथा क्या? कहते जब श्री गिरिराज गोवर्धन आए गोलोक वृंदावन से, कहते उनकी माँ और पिताजी द्रोण और धरा बने, इनकी औरस से गर्भ से गिरिराज गोवर्धन जन्म हुए, जन्म हुए तो स्वर्ग से सारे देवता लोग जब गिरिराज यहाँ पर उतरे, सारे देवता लोग प्रसन्न होकर के स्वर्ग से पारिजात पुष्पों की बौछार की और गिरिराज की जयकार लगाए, बस गिरिराज महाराज की जय। जब गिरिराज गोवर्धन आए, एक दिन श्री कुलस्थ ऋषि वो रहते थे काशी में, उन्होंने भ्रमण करते करते वहां पर पहुंचे द्रोण और धरा जी के घर में, तब उन्होंने कुलस्थ ऋषि को बड़े स्वागत की, इन्होंने देखा ये गिरिराज गोवर्धन क्या सुंदर, हर तरह का फल का पेड़ है, हर तरह का फूल का वृक्ष है, सुंदर सुंदर झरनाएं हैं, सुंदर सुंदर गुफाएं हैं, सुंदर सुंदर कुंज हैं, और एक साथ में 6 ऋतु बह रहा है, और गिरिराज में जो जैसे हम पत्थर पत्थर दिख रहे हैं वो पत्थर नहीं, हीरे जवाहरात असरपिया मोती माणिक तो वो पत्थर नहीं, सभी सब चीज से बनी हुई है, जहां पर किसी तरह का गर्मी नहीं ठंडा नहीं, 6 ऋतु एक साथ में बह रहे हैं, हर तरह का फल फूल से भरा पड़ा हुआ। कुलस्थ ऋषि का जीव तो पानी आ गया, बोले क्यों? वो रहते थे काशी में,
काशी में ऐसे कोई सुंदर स्थान नहीं जहां पर साधु लोग बैठकर भजन करें, वो एकदम मरुभूमि रेती रेती। उन्होंने सोचा अगर किसी तरह से ये गिरिराज उठा करके हम वहां ले जाए ना, संत लोग बड़े आराम से फल फूल पानी झरना का पानी भी एक बड़ा सुंदर आनंद आएगा। तब उन्होंने द्रोण और धरा को बोले, आपसे एक चीज प्रार्थना करना चाहता हूँ। बताओ। बोले आपका ये जो बेटा है ना, ये बेटे को दे दो। अगर आपका घर में कोई आए, आपका एक बेटा हो, बोले ये बेटे को दे दो। आप बेटे को दे दोगे? बोले ये कैसे ऋषि है, मैं तो सोच रहा था कोई छोटे मोटे चीज मांगेंगे दूंगा, पैसा धाम दौलत दे दूंगा, ये कह रहे मेरा बेटा को ले जाएंगे। मैं एक लौता बेटा हम कैसे दे सके? फिर डर गए, अगर नहीं दो फिर तो बड़े प्रताप ऋषि हो सकता है हमें अभिशाप दे दे। उन्होंने बात को घुमा दिया, बोले देखो ये बेटा जाएगा कि नहीं जाएगा बेटे को ही पूछना। तब उन्होंने बोले गिरिराज जी तुम्हें मेरे साथ में जाना पड़ेगा। बोले मेरे दो शर्त है तभी जाऊंगा। बोले बताओ। बोले पहला शर्त है मैं चल करके नहीं जाऊंगा, मेरे को उठा करके ले जाना पड़ेगा। बोले दूसरी, बोले अगर कहीं बीच में आप मेरे को उतार दिया, आप अपवित्र हो गए, फिर मेरे को वहां से ले नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। बोले कोई बात नहीं। उन्होंने तो इतने बड़े प्रताप ऋषि थे, उठाया एक हाथ में चोग प्रभाव से गिरिराज गोवर्धन को और लेकर के जा रहे थे। अभी यहाँ पर ब्रज में गिरिराज जब वहीं पर आए, यदि गिरिराज कौन है? बोले प्रकृत है ये मनसा जातव, फिर राधा जी के हृदय से प्रकट हुए। बोले क्यों? बोले कृष्ण सेवा करने के लिए हैं। जब ब्रज को पार हो रहे थे, ब्रजभूमि किया ये रसभूमि, वहीं पर कृष्ण जन्म ले रहा, सुंदर सुंदर मीठी मीठी मधुर मधुर लीला करेंगे। इसलिए गिरिराज ने ठाकुर जी के प्रार्थना किया, हे राधा रानी, हे कृष्ण, मैं तो आपकी सेवा के लिए आया हूँ। देखो ये ऋषि मेरे को काशी फांसी देने के लिए ले जा रहे हैं। बोले काशी मेरे को फांसी, मतलब काशी वो मायावादी स्थान जो ब्रह्मवादी रहते हैं, जो भगवान का निराकार मानते हैं और जो मुक्ति एक तरह का सुइसाइड है। बोले ये काशी मेरे को फांसी देने ले जा रहे हैं, मैं तो चाहता हूँ आपकी चरण की मैं सेवा करना, और मेरे को कहाँ ले जा रहे हो ठाकुर जी? अपना चरण से मेरे को हाँ दूर मत रखा करो, अपना चरण की सेवा दो। जो प्रार्थना किया ना ऋषि को, इतने जोर से लघु संख्या आई, उसने और लघु संख्या को संभाल नहीं सके। उन्होंने जो प्रतिज्ञा किया था ना बीच में उतारण में से भूल गए, इतने जोर से उनको लघु संख्या लगी। उन्होंने गिरिराज गोवर्धन को ही रख दिया और लघु संख्या में बैठे तक घंटे तक लघु संख्या खत्म हो गई। उसके बाद में जब हाथ पैर धो धा करके आए और गिरिराज को उठाना चाहे ना, और गिरिराज नहीं उठे। बोले गिरिराज उठो। बोले आपको शर्त क्या रखा था? अगर मेरे को बीच में कहीं उतार दिया आप अपवित्र हो गए, मैं जाऊंगा नहीं, और मैं नहीं जाऊंगा। मेरे को बीच में उतार दिया फिर तो उन्होंने अभिशाप दे दिया। बोले मैं तेरे को अभिशाप देता हूँ, तुम टुकड़े टुकड़े हो जाओगे और हाल पल पल में तीर जैसे तुम खाए होते जाओगे। गिरिराज बोले प्रभु मैं तो इसलिए यहाँ रहना चाहता हूँ, ठाकुर जी यहीं पर जन्म लेंगे, बड़े मधुर मधुर लीला करेंगे, उनकी सेवा करना चाहता हूँ। आप तो बोल रहे हैं मैं टुकड़े टुकड़े हो जाओ तीर तुम खाए हो जाऊंगा, अगर कृष्ण आने से पहले अगर मैं खत्म हो गया फिर मेरे को ये रहने का मतलब क्या रह गया? इसलिए मुझे ये आशीर्वाद दीजिए, जब तक कृष्ण नहीं आते हैं तब तक मैं पूर्ण रूप में रहूं, जब कृष्ण चले जाएंगे अब अभिशाप लागो। हमने तथास्तु बोल दिए। यदि इनकी ये दो कथा आती है कि गिरिराज गोवर्धन कैसे श्री वहां पर आए। यहाँ पर कृष्ण जो गिरिराज गोवर्धन की जो पूजा की इसका रहस्य किया, कहते हमारे टीकाकारों ने इसको पीछे चार कारण बताया। पहला कारण बताया, बोले गिरिराज कौन है? कल सुन रहे थे ना, इनका नाम है सर्व अभिष्ट प्रदाता, मतलब इनको जो कुछ आप मांगो। गुरु जी कहते थे जो व्यक्ति गिरिराज की परिक्रमा करते हैं कृष्ण स्वयं उनको पीछे 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 घूमते रहते हैं। इतने कष्ट करके परिक्रमा कर रहे हैं, मांगेगा क्या? धन दौलत पुत्र परिवार दुनिया दारी मकान दुकान जो कुछ मांगोगे गिरिराज की परिक्रमा करते समय मांगो, गिरिराज सब कुछ देते, सारे चीज को दे देते हैं। इसलिए कल सुन रहे थे ना आप, गिरिराज कौन कौन गए हो? कौन कौन गए? सब गए। अब तो ना पत्थर के ऊपर पत्थर रखा हो, देखना गिरिराज शिला के ऊपर, क्यों?
बोले जिसको जितने मंजिली मकान चाहिए गिरिराज के पास में जाए और जितने पत्थर के ऊपर पत्थर रख लेना पास उतना मंजिल ठाकुर जी मकान दे देंगे। इतने दयालु जिनकी बेटी की बेटा का शादी नहीं होता है वहाँ जाते हैं अभिषेक करते पेड़ में पेड़ बांध देते हैं बेटा बेटी की शादी हो जाती है, हैं? इसलिए इनको बताया सर्व अभिष्ट प्रदाता, मतलब जो कुछ मांगो गिरिराज जी सब कुछ देते हैं। इसलिए गुरुदेव कहते थे कि ये दुनियादारी जो वस्तु है ये गिरिराज आसानी से दे देते हैं, लेकिन जो एक चीज मांगोगे ना वो चीज के लिए गिरिराज जी सोचने लग जाते हैं, वो चीज के लिए गिरिराज सोचने लग जाते हैं। क्या जब उनकी सेवा और भक्ति मांगो गिरिराज सोचते हैं इसको दूं कि नहीं दूं, बल्कि ये दुनियादारी चीज तो प्रभु दे दिया छूट गए, लेकिन भुक्ति मुक्ति तेन प्रभु भक्ति राखे लुकाया। जब वो अपना प्रेम भक्ति देते हैं ना भगवान को उनका बंधन स्वीकार करना पड़ता है, बंध जाते हैं भगवान। जैसे मैया यशोदा कन्या कान पकड़ के उठाती बैठे सखा लोग झूठन खिलाती कंधे पर बैठते हैं कृष्ण गोपियों के चरण में प्रेम की भीख मांगते हैं, हैं? इसलिए अगर भक्ति देना भगवान को बंध जाते हैं, इसलिए भगवान सहज में बंधना नहीं चाहते लेकिन भक्ति भी देते हैं। अगर निष्कपट होकर के मांगो तो भगवान भक्ति भी प्रदान करते हैं, प्रेम भी गिरिराज प्रदान करते हैं। इसलिए पहला जो शिक्षा है कहता अगर झोली फैलाना अगर मांगना अगर भक्ति करना और इसको भक्ति मत किया करो, करना तो सिर्फ गिरिराज को प्राप्त करो, ये सारे इच्छाओं को पूरी कर देंगे। इसलिए उन्होंने बहुदेवादेवी जो भजन है ना उन्होंने मना किया, इसलिए किसकी पूजा की इंद्र की पूजा बंद करवा दिया। इंद्र कौन है बोले स्वर्ग का राजा सारे देवता का राजा, उनका सेवा बंद कर दिया, उनकी सेवा पूजा बंद करवा करके उनके श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा प्रारंभ हो गया। इसका मतलब है गिरिराज और कोई नहीं ये गिरिराज स्वयं कृष्ण है। इसलिए गिरिराज के तीन स्वरूप है, एक स्वरूप गिरिराज की, एक समय ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों कठोर तपस्या की। भगवान बोले क्या चाहिए बोले प्रभु आपकी चरण की सेवा दो। देखो ये ब्रज की कितने महत्व है, बोले आपकी चरण की सेवा दो कृष्ण को बोले, बोले किस रूप में चाहते हो कोई सखा सखी बनो, बोले इतने कहाँ सौभाग्य किया सखा सखी बन जाए, बोले बताओ किस रूप में बोले पशु पक्षी, बोले नहीं नहीं इतने हमने सौभाग्य नहीं किया कोई पशु पक्षी बन जाए, बोले फिर बोले प्रभु अगर किसी पहाड़ रूप में पत्थर रूप में जन्म हो जाए आप हमारे ऊपर लीला करो हमारे जीवन धन्य हो जाए। इसलिए स्वयं शंकर जी और नंदीश्वर पर्वत रूप में प्रकट हो गए, नंदगा और बनी और स्वयं शंकर और स्वयं ब्रह्मा जी ब्रह्माचल पर्वत रूप में श्री बरसाना रूप में और गिरिराज गोवर्धन या और बनी ये भगवान विष्णु स्वयं है। इसका एक रूप है। दूसरा स्वरूप क्या, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को दो चीज दिए, गिरिराज देख रहे बोले स्वयं कृष्ण और गुंजामाला देख रहे बोले ये स्वयं राधा, इसलिए गिरिराज और कोई नहीं ये स्वयं कृष्ण ही है। इनका जो तीसरा स्वरूप है राधा रानी कहती है बोले हंताय अद्रिय बला हरिदास वर्ज्य, मतलब भगवान के सेवकों में गिरिराज सबसे बड़ा सेवक है। बोले क्यों, जैसे कोई व्यक्ति घर में आए हम क्या करेंगे, चरण धोएंगे, बैठने के लिए देंगे, भोजन देंगे, उसी तरह जो गिरिराज गोवर्धन है ना तो सब कुछ कृष्ण सेवा करते। कृष्ण आए सुंदर सुंदर रत्न वेदी बना देते हैं, कृष्ण को पीने के लिए सुंदर सुंदर झरना है पानी और खाने के लिए सुंदर सुंदर फल है, मधुमक्खी छता बनी हुई गैया घास खा कर दूध देते हैं उसमें दूध दही और उसमें घी बनता है। जैसे पंचामृत के द्वारा गिरिराज की हम अभिषेक करते हैं अरे गिरिराज गोवर्धन में सब कुछ उपलब्ध है, गिरिराज गोवर्धन में हैं उनकी तंत्रा तंत्रा में कुछ जो कुंजों में भगवान रास रचाते हैं। इसलिए भगवान की सबसे बड़े सेवक श्री गिरिराज महाराज। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। इसलिए कहते हैं ये एक कारण है कृष्ण क्यों गिरिराज की पूजा करवा, दूसरा कारण क्या बोले इंद्र का अभिमान है मैं स्वर्ग का राजा और ये सब मेरे प्रजा है, अगर मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा खत्म हो जाएंगे। बोले क्या तुम्हें पता ही ब्रजवासी कौन है, इनकी चरण की एक धूल भी इतनी शक्ति है कितने इसे इंद्र चंद्र को प्रकट कर देंगे, उनका अभिमान हो गया था इनकी अभिमान को ये दूर करना चाहते हैं। तीसरा कारण है ये ब्रजवासियों को साथ में सात सात दिन तक
इनको साथ में उत्सव करना चाहते हैं। कभी कभी राधा रानी कृष्ण को राधा रानी को दर्शन करना कठिन होता था, इसलिए कृष्ण बोले इसे क्या काम कर राधा रानी स्वयं आगे आ जाए, गोपियां फिर उनका दर्शन हो जाएगा। सोचे जब गिरिराज गोवर्धन को उठाऊंगा ये सब के सब सामने आएंगे, आसानी से दर्शन हो जाएंगे, इसलिए कृष्ण ये चाहते थे। और जो चौथा जो कारण है ना, ये सर्वश्रेष्ठ कारण। क्या सर्वश्रेष्ठ कारण? बोले प्रभु का जो सर्वश्रेष्ठ लीला रास लीला, कृष्ण विरास करना चाहते गोपियों को साथ में, लेकिन अकेले तो रास नहीं कर सकते ब्रज गोपी के बगैर। कहते कृष्ण ब्रज के हीरो है, बोले गोपिया को और बोले हीरोइन। उदाहरण दिया, जैसे एक हीरो जब किसी हीरोइन को आकर्षण करना चाहते हैं, अब वो जो सिनेमा देखते होंगे वो हीरो क्या करता है, वो हीरोइन को सामने कुछ लोग इकट्ठा करेगा और उनको साथ में खूब मारपीट करेगा और करते करते ना सबको वो परास्त कर देगा। अब वो जो हीरोइन ही बोले बाबा रे बड़ा पराक्रम इस पर, वो हीरोइन फिर क्या करता है, वो अपने आप उसके प्रति आसक्त हो जाती है। इसलिए कृष्ण हीरो है और ये गोपियां हीरोइन। अभी कृष्ण सोच रहे भैया ये हीरोइन के बगैर तो रास नहीं होगा, अब ये हीरोइन को मैं आकर्षण कैसे करूं। इसलिए उन्होंने दो लीला की है, पर दो लीला क्या किया, जब पहला उन्होंने लीला की कालियों के सर पर उन्होंने नृत्य की, उसका सौ फण था और वो पानी उबलता था, ऊपर में कोई चिड़िया तक भी नहीं जा सकते थे, आस पास में पेड़ पौधा नहीं था। कृष्ण जब कालियों के सर पर नृत्य किया, कालिय एक साथ में सौ सर से उनको काटना चाह रहा था, लेकिन भगवान सारे चरण को कालियों के सर को बचाते हुए एक सर से दूसरे दूसरे से तीसरे इतने तेजी से चरण को भगवान बदला करके नृत्य कर रहे थे। सारे देवता लोग वाद्य यंत्र लेकर के आ गए और भगवान नृत्य कर रहे थे और सारे देवता लोग बजा रहे थे। बोले क्या बजा रहे थे, सूरदास जी सुंदर भजन गा रहे थे। बोले तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। कितना बड़ा गिरिराज था, सात क्रोश,
सात कोस हाँ, और कितने दिन इन्होंने कितना दिन तक उठाए? सात कोस। हाँ, कितना बड़ा गिरिराज गए हो ना, कितने बड़े गिरिराज को भगवान कनिष्ठ अंग बोल, बोले कनिष्ठ अंग नहीं कितना, ये मेरे लिए कौन सा बड़ी बात, हम तो उल्टा हाथ में कर सकते हैं। बोले अरे उल्टा हाथ की बात छोड़ दो, सबसे छोटे अंगुल से कर सकते हो, छोटे अंगुल की बात छोड़ दो, बोले नख को ऊपर भी गिरिराज उठा सकते हैं। इसलिए उन्होंने कृष्ण जब गिरिराज उठाया, ये जितने ब्रज गोपियां थी ना, बोले बड़ा पराक्रमी। इसलिए जितने गोपियां थी ना, अपना मन प्राण चित्त को एकदम कृष्ण को दे दिया, बड़ा सुंदर रास हो गया। इसलिए कृष्ण जो गिरिराज उठाए ना, इसका चार कारण है। एक समय मैया यशोदा रात पर लड्डू कचौड़ी मालपुआ चकाचक भजन बना लेती, कृष्ण का अभी सात साल दो महीना के हो गए। कृष्ण बोले भैया भैया कहा बात है, तू रात भर इतनी बढ़िया खाना क्यों बना रही हो, क्या कल मेरे जन्मदिन? बोले नहीं नहीं, बोले दाऊ भैया का, बोले नहीं पर फिर भैया बाबा के पास में चले जा, पता है ना कृष्ण पता नहीं इंद्र के लिए बन रहा है, कोई हाथ मार लगा देगा खा लेगा, झूठा हो जाए इंद्र देवता की सेवा में, भैया बाबा के पास में, बाबा के पास में गए, गोद में बैठे गए, ताली पकड़ लिए, बोले बाबा बाबा ये मैया रात भर ये लड्डू कचौड़ी मालपुआ क्यों बना रही है? बोले बेटा ये इंद्र की पूजा होगी। बोले बेटा ये इंद्र कौन होता है? बोले बेटा हम सबके सब ग्वाला है, हमारा जो मूल धन गैया है, ये गैया घास खाते हैं, दूध देते हैं, दूध से दही, दही से फिर बनता है घी, और इससे पनीर जो कुछ बनता है दूध से, हम ग्वाला हमारा मूल धन गैया, और ये घास कब होता है? बोले जो इंद्र है उसकी अधीन में ये पर्जन ये मेघ है, इंद्र जब आदेश करता है ये पर्जन मेघ देता है, मेघ होने पर घासों का घास है सब कुछ होता है, इसलिए हम इंद्र पूजा करते हैं। बोले पिताजी आप कब से ये पूजा कर रहे हो? बोले जब से होश आया। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। बोले जब से हमारी होश आई तब से हम श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। बोले पिताजी आप इतने साल से गिरिराज की पूजा कर रहे हो, गिरिराज जब खाना खाते हैं आप देखे हो? बोले नहीं। बोले देखे नहीं जब गिरिराज भोजन करते? बोले नहीं। बोले पिताजी हमारे जो ब्रज की देवता है ना, ये गिरिराज है, इनकी आशीर्वाद से हम गिरिराज वास कर रहे हैं, गैया हमारे घास खाता है। बोले गिरिराज से। बोले फल फूल कहाँ से मिलता? बोले गिरिराज से। बोले पानी कहाँ से मिलता? बोले गिरिराज से। बोले सब कुछ गिरिराज से मिलता है। बोले मेघ कैसे होता है? बोले आकर के मेघ है ना, उस समय गिरिराज विशाल थी, बोले मेघ आकर गिरिराज में टकराता है फिर ये बारिश होती है, इसलिए पिताजी सब कुछ गिरिराज से मिलता है। बोले पिताजी जहाँ पर ये इंद्र पूजा नहीं होती है क्या वहाँ बारिश नहीं होती है? बाबा तो चुप हो गए। बोले क्या क्या पेड़ बोलता है? बोले पिताजी अगर यहाँ बारिश नहीं होगा ना, फिर हम तो और कहीं चले जाएंगे, इसलिए पिताजी ये जो गिरिराज है ये ब्रज का साक्षात देवता, बाबा ये जो ब्रज है ना ये साधारण नहीं है, ये ब्रज का एक धूल में इतने शक्ति ऐसे करोड़ इंद्र और स्वर्ग को बना सकते हैं। बोले बाबा ये ब्रज साधारण नहीं, इसलिए बाबा हम श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करेंगे, आपका इंद्र को इतना दिन से पूजा करते हो देखे ही नहीं कभी, आप जब गिरिराज की पूजा करोगे ना साक्षात ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे, सबको दर्शन देंगे। बाबा अगर एक बार गिरिराज की पूजा कर लो ना, एक अन्न का दाना अगर कोई गिरिराज की सेवा में देगा, किसी जीवन में अन्न वस्त्र की कभी घर में अभाव नहीं पड़ेगी, माँ लक्ष्मी घर में भरपूर रहेगी। भगवान अगर किसी दिमाग घुमाना चाहे घूमेगा नहीं, वास नंदवार घूम गया। बोले ठीक है कल हमें इंद्र पूजा नहीं, कल हम श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करके जाओ, पूरा ब्रज मंडल में ढिंडरा पिटवा दो। जब ढिंडरा पिटवा दिया ब्रज में कितना गांव? बोले 365 गांव, सही तरोली बरोली ऊंचा गांव नंदगांव बरसाना करके ना ब्रज में 365 गांव है। जब ब्रजवासियों ने देखा साक्षात देवता दर्शन होगा, साक्षात रूप में किन्हीं आंखों से दर्शन करेंगे। बोले भैया गिरिराज के ताई तो जो जितने बना रहे थे ना डबल डबल बनाए, जो एक किलो सूजी का हलवा बना रहे थे, बोले हम तो दो किलो सूजी का हलवा बनाएंगे, जो दो किलो आटा का पूरी बना रहे थे हम चार किलो बनाएंगे, उन्होंने तो चार तरह का चावल बनवाए, पता नहीं आप लोग कितने तरह के लाए हो, एक मीठा चावल,
एक तीखा चावल, एक नमकीन और एक मटर पनीर डाल रहे हैं। चार तरह का चावल लाए, बोले दो तरह के कढ़ी बनवाए, एक राड कढ़ी और एक सुहागिनी कढ़ी। राड कढ़ी बगैर पकौड़ा के जो कढ़ी बनता है, बोले सुहागिनी कढ़ी जिसमें पकौड़ा डाल कर बनाते। कोई लाए हो सुहागिनी कढ़ी? कोई लाए नहीं बना कर। इसलिए दो तरह का चूरमा बनाए, एक हसना और एक रोना। हंसना मतलब पतले में रखते जो खेल जाए, रोना मतलब जिसे घी टपकता है। दस तरह का तो परठा हो गया, गोभी की, बथुआ की, मेथी की, आलू की, हैं कितने तरह तरह का परठा बनवाए। दस तरह का परठा बनवाए, दाल तो दस तरह का दाल बनवाए। इतना बनाए ना, उसका नाम पड़ गया अन्नकूट। कूट मतलब पर्वत, अन्न मतलब अन्न, रोटी का अन्न, जलेबी का अन्न, पकौड़ा की अन्न, पहाड़ है पकौड़ा की पहाड़, सबके सब पहाड़ पहाड़। 365 गांव से इतने लाए, पूरा गिरिराज भर गया, पूरा गिरिराज। कृष्ण स्वयं अपने हाथों से पंचामृत के द्वारा पुरुष सूक्त मंत्र पढ़ करके उन्होंने गिरिराज का अभिषेक करवाया, अभिषेक करके। और उन्होंने एक लोटे में गंगा पानी था, गिरिराज को स्नान कराया ना, उनका केस भी भिगा नहीं। कृष्ण बोले जा पानी ले आ, लेकिन पिएगा ना तालाब? बोले नहीं, गिरिराज के लिए गंगा पानी चाहिए। ब्रजवासी बोले कन्हैया हमारे इंद्र अच्छे, किसी पानी में नहा लो, तेरे ऐसे ठाकुर गंगा पानी के बगैर नहाएंगे नहीं। गंगा थोड़ी यहाँ पास में, गंगा पान जा करके हरिद्वार में गंगा जाओ पानी लाओ, तेरे ठाकुर ना अगले साल से पूजा पूजा बंद, नहीं तो तेरे ठाकुर को बोलो गंगा को अगर प्रकट कर दे फिर हम समझेंगे तेरे ठाकुर सच्चा ठाकुर। बोले चिंता क्यों करते, आँख बंद करो। ब्रजवासी आँख बंद किया तो कृष्ण मन से गंगा को प्रकट किया, गंगा को स्मरण करते स्वयं माँ गंगा देवी कलकलनाद करते हुए माँ गंगा प्रकट हो गई। और मगरमच्छ के ऊपर में सारे ब्रजवासी दर्शन कर साक्षात गंगा। बोले श्री मानसी गंगा की। अभी उन्होंने चकाचक गिरिराज गोवर्धन की स्नान कराए, और जितने खाना ले आए थे ना सब में तुलसी बता रहे थे, और गिरिराज को आसन पाद्य आचमन देकर उनको उनको बैठा करके फिर उन्होंने इदम संहित नैवेद्य उपकरण श्री गिरिराजाय नमः। मतलब यहाँ पर जितने खाना लाए हो सब के सब गिरिराज गोवर्धन को अर्पण कर रहे हैं। सचमुच से जो गिरिराज थे ना साक्षात वहाँ प्रकट हुए, इतने विशाल शरीर मेघ जैसे, जैसे आकाश को स्पर्श कर रहे हैं। और गिरिराज बताए, मैं स्वयं गिरिराज गोवर्धन हूँ। आज का दिन जो लोग ये गिरिराज की पूजा कर रहे हो, एक अन्न का दाना भी मेरे सेवा में लगाए, सबका आशीर्वाद देता हूँ, फलते फूलते रहना, घर में अन्नपूर्णा भर रहेगी लक्ष्मी। और जो व्यक्ति ये गिरिराज पूजा की अनादर करेगा वो कंगाल होकर के दर पर बैठेगा। ये गिरिराज स्वयं की बात बोलता है, और उन्हें हाथ बढ़ा बढ़ा करके खा रहे थे, बोले आनो रे और लाओ मिनट में सब कुछ खत्म कर दिए। ब्रजवासी बोले प्रभु हम गरीब ब्रजवासी, आप इसी में ही संतुष्ट हो जाओ। फिर भगवान संतुष्ट हो गए सबको। और कृष्ण का जो सखा लोग थे ना, बोले कन्हैया अगले साल से तेरे गिरिराज की पूजा नहीं होगी। बोले क्यों? बोले क्यों मतलब, जब हम इंद्र को पूजा करते थे ना, जो जो खाना खाना जो सूखा प्रसाद लाते थे, करीब करीब 15 दिन तक 20 दिन तक हम खाते थे, जैसे घर में सूखा प्रसाद बने ना, देखना 15-20 तेरे ऐसे भूखे ठाकुर एक चावल भी छोड़े नहीं, सारे को सारे खा लिए। अगले साल से हम पूजा पूजा कुछ नहीं करेंगे, हाँ ऐसे भूखे ठाकुर। कृष्ण बोले ऐसे बोल मत, कहा करो, सब आग बंद करो। जब आग बंद किया ना, गिरिराज हाथ घुमा लिया, जो 1 किलो का लड्डू बनाकर लाए थे ना हो गया 2 किलो, जो 2 किलो का रसगुल्ला हो गया 4 किलो, जो जितना जितना लाए थे ना सब डबल डबल हो गया। सारे ब्रजवासी पे तरस उठे, बोले भैया हमको पता नहीं चला ये डबल डबल हो जाएगा, नहीं तो और थोड़ा ज्यादा होने लगा। इसका मतलब क्या है? बोले भगवान को भोग लगाने से कभी कभी नहीं होता है, बढ़ जाती प्रसाद भी बढ़ जाती। इसलिए कृष्ण ने कहा ब्रजवासियों चकाचक भजन करो, चकाचक भजन करो, और चलो हम सबके सब मिलकर के परिक्रमा करेंगे। इसलिए हमारे श्री जीव गोस्वामी बड़ा सुंदर वर्णना करते हैं। बोले परिक्रमा में कौन चल रहे थे? बोले सबसे पहले चल रहे थे ब्राह्मण और संत। बोले उसको पीछे कौन चल रहे थे? बोले जितने गैया थी सारे गैया परिक्रमा लगाए थे। बोले उसको पीछे कौन थे? बोले जितने गो। बोले सबसे पीछे? बोले गोपियां।
और सबसे पीछे से राधा रानी चल रही थी। जब गिरिराज की परिक्रमा कर रही थी, जब थोड़ी दूर परिक्रमा करते करते गए ना, राधा रानी सबसे पीछे सखियों के साथ गई। राधा रानी सोच रही है, अगर कन्हैया सचमुच से मेरे प्रियतम है, हाँ मेरे प्रिय है, प्रियतम है, तभी मैं समझूंगा वो अगर आ करके थोड़ी सी पीछे से मेरे को स्पर्श करे। अभी कृष्ण तो समझ गए राधा रानी चाह रही है मैं स्पर्श करूँ, लेकिन मैं कैसे जाऊँ, मैं तो बीच में गोपियां तो सबसे पीछे, पहले तो ऐसे ना नहीं था लड़कियों का अंदर लड़का लड़की में लड़का घुस जाते थे, पहले से मर जाता सब था, इसलिए कृष्ण सोचे जाऊँ कैसे। कृष्ण ने क्या किया कि बछड़े का जो मुंह है ना पीछे करके उसका पूंछ को ऐंठ दिया जोर से, वो ऐंठ दिया ना वो जो बछड़ा फुदकत हुए एकदम पीछे चला गया, और कृष्ण ने क्या किया वो बछड़े को बहाना बना करके कृष्ण एकदम पीछे गए और राधा रानी को स्पर्श कर लिया। स्पर्श करते राधा रानी को तो रोम की हुई थी, आंखों से आंसू की झरी बहने लग गई, कृष्ण मेरी इच्छाओं को पूरी कर दिए। जब और थोड़ी दूर गए फिर राधा रानी सोच रही थी अगर कृष्णा बीच बीच में मेरे को दर्शन देना तो और आनंद आएगा, फिर मैं समझूंगा मेरे मन की भाव समझ रहे हैं। अब कृष्ण समझ गए राधा रानी की इच्छा दर्शन करना, बोले दर्शन दो कैसे। इतने में कृष्ण गैया चरण का जो लकुटी थी ना, कृष्ण वो लकुटी को ऐसे जोर से फेंके, फेंक करके जब उन्होंने बहादुर दिखाते हुए छलांग लगाई लकुटी को पकड़ने के लिए, पास राधा रानी की दुआ और कृष्ण का दुआ को मिलकर के एक हो गया। ऐसे ही सबके सब कीर्तन करते करते श्री गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा लगाए हैं। इसलिए अभी हमारे प्रभु जी आपको बड़ा सुंदर भजन सुनाएंगे, सबके सब खड़े होकर के गिरिराज गोवर्धन इसमें नाचना, क्योंकि गिरिराज गोवर्धन में जो नाच लेना फिर और कहीं उसको नाचने का जरूरत नहीं, फिर तो सीधा ठाकुर के पास में जाकर के नाचोगे। हाँ देखो कल है कथा का विश्राम, समाप्त देखो कथा कभी समाप्त नहीं होता है, कल कथा की विश्राम है, कल है रास की कथा सुनेंगे, फिर कल भगवान की मखन चोरी होगी, फिर भगवान कंस को मारेंगे, फिर कल हम सुनेंगे कृष्ण रुक्मिणी की शादी, फिर सुदामा चरित्र, कल बहुत सारी कथा सुनेंगे, इसलिए और एक सुंदर कथा सुनेंगे जिसका नाम है बृहत भागवत अमृत। जब से सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को पूरी कथा सुना दिए, परीक्षित महाराज का माँ वहां बैठी थी, माँ प्रश्न करती बोले बेटा ये सुखदेव गोस्वामी सात सात दिन तक क्या सुनाए, मेरे स्त्री जाति मेरे पल में तो पढ़ा ही नहीं कुछ, मेरे लाइफ कुछ बता दे कम से कम मैं समझ जा कुछ। तो उन्होंने थोड़ी समय में ये भागवत के सार को उन्होंने सुनाए जिसका नाम है श्री बृहत भागवत अमृत। बोले जिसकी कथा को सुनने से जिन लोगों ने छह दिन तक कथा नहीं सुनी कल की कथा सुन जाओगे ना पूरा आपकी छह दिन का कथा का जो सार है वो बृहत भागवत का मतलब उसका पूरा फल मिल जाएगी, और कल की जो कथा सबसे महत्वपूर्ण कथा उसको सुनने पर सात दिन कथा सुनने का जो नहीं आए उनको सारे फल मिल जाएगी, इसलिए कल उस कथा को हम सुनेंगे ठीक है, और कल भगवान शादी होएंगे भगवान ठाकुर जी, और कल जो माता है ना जैसे शादी में कपड़ा पहन कर जाते हैं चमक धमक लाल रंग के सब साड़ी पहन कर आना, क्योंकि आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो और मुझे श्याम सुंदर की सब कल दुल्हन बना सब सजाना, और कृष्ण कन्हैया कब बनेंगे दूल्हा, और आप लोग सब दुल्हन ठीक है, सब भगवान प्रेम की भूखे हैं, और चमक धमक साड़ी सब पहन करके लाल रंग की चुनरी ओढ़ करके फिर शादी शुदा में जाते ना सारे कपड़ा सब पेटर से निकालना उसको पुराना हो रहा है, हाँ इसलिए कल भगवान का शादी है सबसे सब बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन करके सब बराती बन करके आना, भगवान कल शादी होगी ठीक है। अभी प्रभु जी आपको गिरिराज में भजन सुनाएंगे, सब सब खड़े हो जाओ, खड़े हो करके और सबके सब गिरिराज गोवर्धन कीर्तन में नाचना, सब गिरिराज महाराज की जय, बोल गिरिराज नारायण भगवान की जय, जय जय श्री राम। मैं तो गोवर्धन को न्याओ मेरे में नाय माने I'm
I have